और खा रहा है नहीं अपने पास, दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि बेगम साहब अगर ये सारी बातें सुनेंगी तो मसाइल पैदा होंगे। चले सही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं अली मोहसिन भाई के साथ हूँ। और अली मोहसिन भाई जो हैं वो मैं थोड़ा सा उनको तारुफ करा देता हूँ जो मुझे मालूम है, फिर वो हम कुछ बातें करेंगे। तारुफ इनका ये है कि इनकी उम्र 40 साल है तकरीबन। अभी ये नए नए कनाडा मूव हुए हैं 4 महीने पहले। इनका जो लाइन ऑफ इनकम है वो ये श्लम्बर्जर में काम करते थे, इन HEC ABCD कुछ होता है मुझे पता नहीं उसमें। उसके बाद इन्होंने एक आई हॉस्पिटल बनाया वॉलंटियर बेसिस पे, खुद ही उसका पेशकश करी, प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, और वो आई हॉस्पिटल कंप्लीट भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया। और ये मुझे कहते रहे कि प्लीज़ डोनेशन के लिए कुछ पोस्टर लगा दें, कुछ ये कर दें वो कर दें, और मैं बदतमीज आदमी ने कुछ नहीं इनकी हेल्प करी। मेरी इनकी मुलाकात एक दफ़ा बारबेक्यू नाइट दुबई में हुई थी आज से आई गेस 5 years ago और 6 years ago। 2012 या 2013 था बिल्कुल। और उसके बाद मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी, और उसके बाद से फिर डिसकनेक्शन हो गया था। एंड फिर ये फेसबुक पे अपना फॉलोअर का फंक्शन नहीं खोलते थे, तो मैंने इनको फिर फेसबुक से भी निकाल दिया था। एंड फिर इनसे मेरी मुलाकात अब हुई है लास्ट दिसंबर में, दिसंबर के लास्ट वीक में। और दिसंबर के लास्ट वीक से लेके अब तक समझिए कि 40 दिन हुए होंगे बमुश्किल। और उन 40 दिनों में हम ये देखेंगे कि हमने इन्होंने क्या सीखा, और उस सीखने से दूसरे लोग क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये एक सोशल वर्कर हैं, अपने आप को समझते हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग जमात इस्लामी के सपोर्टर हैं, पुराने सपोर्टर हैं, अदबी अदब का बहुत शौक रखते हैं इन टर्म्स ऑफ शेर व शायरी, और मेरे दिल के बहुत करीब आ गए हैं 40 दिन में। एंड मुझे बहुत खुशी होती है इनसे बात करके। ऐसे ऐसे मुंह क्यों बना रहे हैं आप, डच के लग रहे हैं आप। एंड अब बेसिकली हम ये सीखना चाह मेरे ये ख्वाहिश है कि मैं ये सीखूं कि इन्होंने पिछले सिर्फ 10 से 15 दिन में, पहले तो समझिए 30 दिन में इन्होंने पहला पहले ऐसे रहमत से पहले कभी फेसबुक लाइव पे गए थे आप? अली नहीं, नहीं, तो 30 से 30 दिन पहले ये तकरीबन फेसबुक लाइव पे गए, और रहमत से बात करने से पहले मेरे साथ भी लाइव नहीं गए थे। नहीं मेरा सही। नहीं तो हमने आधे पौने घंटे एक दफ़ा बात करी। उसके बाद मैंने कहा भाई मैं तो आपको कुछ नहीं बता रहा क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं सुनूंगा, आप बताएं। तो इन्होंने अब उस शख्स से ये डरे हैं बिल्कुल, अब कुछ नहीं बोलते, ये चुप करके सुनते, सुननी बन गए, कभी सुनने चले जा रहा। तो उसके बाद से इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, और उसके बाद इन्होंने दूसरों के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए, और उसमें इन्होंने नॉन मुस्लिम से भी बातें करी, मुस्लिम से भी बातें करी, यहूदियों से भी, यहूदियन एक से यहूदियन से तो बात करी, बाकी पता नहीं कितने से करी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने दिन आपने क्या सीखा, और अभी तक जो समझिए मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 महीने के जो आपका एक्सपीरियंस है उसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक क्या हासिल किया, ये सब फेसबुक लाइव पे आके हासिल क्या किया? क्योंकि आप यही सारे काम, मेरा जाती ख्याल है कि आपका लोगों से मिलना, जैसे आप बारबेक्यू टनाइट से मेरे साथ मिले थे 5-6 साल पहले, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है। अगर आपके ख्याल में वो वीडियो रिकॉर्डिंग आज आपके पास होती और आप उसको दोबारा सुनते, तो आप उसी बात को दोबारा सुन के कैसे लेते? क्योंकि 5 साल पहले का अली मोहसिन तो कोई और आदमी था, और 5 साल पहले का रेहान भी कोई और आदमी था। 5 साल के बाद रेहान भी बदल गया, अली भी बदल गया। तो उस 5 साल के दरमियान में जब हम दोबारा वही बात सुनते, अपनी भी बात में जाके अभी कभी सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ ये मेरी गलती थी और ये मेरी सही बात थी, इसको मुझे करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सब कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो को ऊपर आपने मुलाकातें शुरू करी,
और मुलाकात करके आपने सीखना शुरू, सीख तो आप रहे हैं, पहले भी इसी तरह से बात करते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर इसी तरह से चाय पीते होंगे, इसी तरह से गप्पे भी लगाते होंगे, लेकिन अब आप पब्लिकली भी पहले आप कर रहे होंगे, लेकिन अब रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ पीपल है वो बढ़ गई, यानी कि पहले आप बैठे हुए तो 40 लोग होंगे, एन एवरेज 5 से 10 लोग होते हैं एक मुलाकात में, इससे ज्यादा मुलाकात फिर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हर तीसरा आदमी बोलना शुरू कर देता है और मुलाकात का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं और आप होते हैं या 2 आदमी होते हैं, तो उस मुलाकात में और फिजिकल मुलाकात में क्या फर्क है, पहला सवाल ये कर लेते हैं चलो, या पहले समरी बताएंगे। यहाँ भी वो पहले जो आपने सवाल सवाल वो वाले पे बात करना चाहिए। तो ठीक है उसमें रहा भी देखें, जो मैंने महसूस किया, बल्कि मैं थोड़ा जैसा जैसा मैंने सोचा मैं वो आपसे बोलता हूँ। जी एक ये कि आपको मैं जब ये फेसबुक और ये सब पे, मुझे तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा कुछ पता भी नहीं था और मुझे टेक्नोलॉजी एक्साइट भी नहीं करती। मेरी तबीयत में जब तक काम चल रहा है, जब तक नोकिया से काम चल रहा था, उस वक्त स्मार्टफोन ब्लैकबेरी भी आ गया था, लेकिन आई वाज नेवर टेम्पटेड कि भाई उस तरफ जाऊं। ब्लैकबेरी आ गया तो फिर आईफोन और ये सब आ गया, कोई बोलता आईफोन कोई बोलता एंड्रॉयड, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता था जो फेयर बात थी। इसी दौर में जब 2012 में आपसे मुलाकात हुई, आपने फेसबुक और इन सब के इस्तेमाल के बारे में, इनकी अहमियत के बारे में कुछ ना कुछ बात की, लेकिन मतलब मुझे स्टिल ये नहीं था कि मतलब ये नहीं कि मतलब मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता या वो नहीं था, लेकिन सिंपली मेरी एक इंक्लिनेशन नहीं थी, मेरा शौक ही नहीं है, मेरे टेक्नोलॉजी से बस लगता है मुझे कोई बहुत दिलचस्पी नहीं थी। मगर मुझे एक बात का अंदाजा शुरू से था आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए कि दुनिया में जो भी लोग क्रेजी बातें करते हैं और खुद दुनिया के मामलात में भी वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो उनकी क्रेजी बातें बड़ी कीमती होती है। मुझे आज की डेट में नहीं समझ आ रही थी, लेकिन मैं उसको ये नहीं कर रहा था कि ये पागलपने की बातें कर रहा है। मुझे ये जरूर यकीन था कि भाई ऐसा नहीं होता, कोई आदमी अगर कोई चीज इतने जुनून से कुछ कर रहा होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। मुझे नहीं समझ आ रहा या मैं उस तरफ माइल नहीं हो रहा, लेकिन टू श्रग ऑफ आइडिया जस्ट बिकॉज कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये सही बात नहीं है। आप उसको उसकी रिस्पेक्ट रखिए और खुद देखिए, अगर कभी आपको वो क्लिक करे या समझ आए। तो एक तो ये वाली बात मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपसे मुलाकात के बाद ये जरूर था कि मैं फेसबुक पे कुओं की तस्वीरें लगाता था, रमजान के राशन पैक की तस्वीरें लगाता था, कोई आई सर्जरी हो जाती थी उसकी तस्वीरें लगाता था, एंड आई फेल्ट लाइक कि जो लोग देख रहे थे उस सब चीजों को, वो मतलब एक तो नहीं कि सिर्फ भाई मेरी जाती तारीफ करे भाई अली साहब बहुत अच्छे आदमी है, इतने नेक काम करते हैं। आई कुड सी के इस तरह की पोस्ट लगाने से कुछ पॉजिटिव हो रहा है। और फिर रेहान भाई एट अ पॉइंट मैंने ये रियलाइज किया कि ये तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी कॉज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है फेसबुक इटसेल्फ। सिर्फ पोस्ट बगैर अल्फाज के पोस्ट, दैट्स ऑल। आप लिख दें, आप कोई भी अपना ख्वाब लिख दें मेरे ख्याल से फेसबुक के ऊपर, उसकी बहुत बड़ी एक अहमियत है, क्योंकि यू नेवर नो कौन उसको पढ़ लेगा और कहाँ से कोई एक नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। तो अगेन ये चीज का भी मुझे टाइम के साथ हुआ, और फिर मैंने एक रमजान की कैंपेन में बाकायदा जो अलखदमत फाउंडेशन की टीम थी, मैंने एक ऐसी छोटी सी एक लूप बनाया कि भाई फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाओ या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजो, और उसके बाद जो है वो वेस्टर्न यूनियन से पैसा आता है और वेस्टर्न यूनियन का पैसा अलखिदमत के अकाउंट में जाए और अलखिदमत के अकाउंट से कुएं तक पहुंच जाए। मैंने कहा ये जो हम इतने फंड रेजिंग करते हैं, एक प्रोग्राम करने में सुबह से शाम लग जाती है, इतनी जद्दोजहद करने की है, इट इज जस्ट मैटर ऑफ अ पोस्ट कि आप लगा दीजिए और उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो बस ये थी थोड़ा सा ये। बाकी फेसबुक लाइव वगैरह का तो रिहान भाई जाहिर है कि आपने कहा कि आप चाहते हैं कि बातचीत जो है वो अकेले में नहीं होनी चाहिए, जो कुछ हो सब डिजिटलाइज्ड हो, लोगों के सामने हो। तो मैंने कहा चले भाई ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्योंकि अब आप बातचीत कर रहे हैं, आप आपसे भी आपने भी
दो तीन दफा बल्कि इससे ज्यादा ही आपने घंटा घंटा डेढ़ घंटा वक्त दिया, और उस गुफ्तगू के दौरान मैंने रियलाइज किया कि इस टूल के जरिए, और अब मैं समझ मुझे अभी भी आई डोंट नो सही या गलत, लेकिन मैंने आपकी वीडियोस बहुत कम देखी हैं और बहुत थोड़ा देखी है, लेकिन व्हाट आई फेल्ट लाइक कि दुनिया के बड़े बड़े मसाइल जो है वो इस टूल के जरिए हल हो सकते हैं। ये मेरा बिलीफ बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है कि जिस तरह की ये टेक्नोलॉजी है और जिस तरह का ये एक्सेस दे रही है और जिस तरह के माशरे के प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें बहुत बड़ी हार्मनी और बहुत पीस और बहुत कुछ जो है ना हम सिनर्जाइज कर सकते हैं अगर हम बात करें। तो इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट्स एन आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, लोगों को करना चाहिए ये, और खास करके जो लोग खैर का काम करना चाह रहे हैं या दुनिया में कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और फिर अब आप ही के थ्रू मुझे वो जूम का पता चला, तो जूम इटसेल्फ मैं समझता हूँ कि मतलब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने या एक मीटिंग क्रिएट करने के लिए जहां आपको $20,000 एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, होटल लॉजिंग एयर टिकटिंग, आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के जरिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 8 लोग दुनिया के बैठ करके 1 घंटा लगा करके किसी मसले पे बात कर सकते हैं, विच मीन्स कि हम अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इस इंटरचेंज ऑफ थॉट्स के जरिए जो है वो तब्दीली आ सकती है। तो इट इज ऑल वेरी एक्साइटिंग, आउटस्टैंडिंग, मतलब रेहान भाई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि स्ट्रेंथ है क्या। और ये तो अभी मुझे लगता है जैसे कि 100 में से कोई 0.01 अभी तक एक्सप्लोर किया, उस पे ये हालत है। अगर आपको 50 पता चल जाए या 70% कहानी का पता चल जाए तो इस स्ट्रेंथ की क्या पावर हो सकती है, और कैसे इसे सारी बात स्ट्रेंथ और पावर भी छोड़िए, सारी बात ये कि दुनिया को अच्छा करने के लिए या दुनिया को अच्छा बनाने के लिए अगर कुछ भी इस्तेमाल की, मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज कहता हूँ अभी भी मुझे नहीं वो है, लेकिन अगर इसी जरिए से खैर फैल सकता है या दुनिया में अच्छाई फैल सकती है तो लाइक इट और नॉट लाइक इट गो फॉर इट। सही है। तो अब मुझे ये आपने समझाना है यही बात को कि आप ये जो कह रहे हैं कि अच्छा है, तो ये नहीं समझ में आया कि किस चीज़ की बात हो रही है, बिरयानी की बात हो रही है, कौरमे की बात हो रही है, ये सब चाय की बात हो रही है। ये अब आपने अपने वालिद को समझाना है कि वो एक लेक्चरार हैं, तो एज अ लेक्चरार वो किस तरीके से फेसबुक लाइव को इस्तेमाल करके, हम दो चीज़ों की अभी बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में, आप तो फेसबुक लाइव की बात कर रहे हैं, मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा था इनिशियली। ये जो कुछ अब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं हम उसके ऊपर नेक्स्ट सवाल लेंगे कि समझने के लिए, लेकिन फर्स्ट कीजिए हम अभी बेसिक फेसबुक लाइव की बात करते हैं। तो एक एज ए प्रोफेसर आपके वालिद इस फेसबुक लाइव को इस्तेमाल करके जो इम्पैक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है, यानी हमारे मुल्क का हम जो कारोबारी लोग होते हैं या एक ऑन्टरप्रनोर होता है, वो बनिया समझ लीजिए उसको, कह लीजिए जो मर्जी कहना चाहे कह लीजिए, हमारा हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और हमें ये देखना है कि हम $1 में कितना ज़्यादा आलू खरीद सकते हैं, कौन सही सी दुकान है जहाँ पे $1 में अच्छा और बढ़िया और ज़्यादा आलू मिलेगा हमें। तो अब हम यानी टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, हमारी अगर एवरेज एज 70 साल है, हमारे पास 24 घंटे रोज के हैं, तो अब हम उस 70 साल के अंदर जो 70 साल में से हमने 40% यानी 30 साल तो सो के गुजारते थे, बाकी 5 साल खाने के निकाल के निकाल देते हैं, बाकी 4 साल बाथरूम में निकाल देते हैं, तो टोटल जो बिल्कुल वर्किंग के टाइमिंग है वो बमुश्किल 10 से 20 साल बचते हैं। अब उस 10 से 20 साल के अंदर हमने जो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, वो अगर हम उस इम्पैक्ट को फेसबुक के लाइव के जरिए या यूट्यूब लाइव के जरिए या वीडियो के जरिए नशर कर दें, तो उससे इम्पैक्ट की क्वांटिटी, आपके वालिद की इम्पैक्ट की क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी अगले 1 साल के अंदर। 1 साल में, 1 दिन में तो कुछ नहीं होगा, आज आप वीडियो बनाएंगे, किताब भी लिखते हैं, ये किताब है गॉड्स फेसबुक, ये 3 साल पहले उन्होंने मुझे दी थी, इन्होंने किताब लिख दी, छाप दी, इतनी मोटी किताब है देखें, ठीक है, अब उसके बावजूद ये मेरे से पढ़ी नहीं गई अभी तक, हालांकि इस पर फेसबुक लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा, फिर भी मैं नहीं पढ़ सका अभी तक। एंड उसके
इम्पैक्ट जो इसका आएगा वो 5 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज आपने ये किताब लिखी और कल इम्पैक्ट आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब अगर आपके वालिद को आप समझा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, और अगर आप भी वो करने लगे तो आपको क्या फायदा होगा, आप अपने वालिद से बात कर रहे हैं। रेहान भी, मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करके ये बात करता हूँ, वो ये है कि क्या मेरे वाले साहब हों या पाकिस्तानी माशरे में कोई भी शरीफ आदमी हो, उसकी आवाज जो है ना इस वक्त सदा व सहरा है, यानी कोई लिफ्ट नहीं कराना चाहता, सिंपल एज दैट। मैं अब भाई मेरे वाले साहब है तो मैं जरा बायस्ड हूँ उनके बारे में, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी बात है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 30-40 साल एग्रेसिवली सिर्फ तालीम को दिए। मैंने वो गोल्ड मेडलिस्ट थे जब उन्होंने जियोलॉजी डिपार्टमेंट से मास्टर्स किया, और वो किसी भी ऑयल कंपनी के अंदर, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाके बहुत पैसे कमा सकते थे, और उन्होंने ये नहीं किया, ही डिडंट डू इट। मैंने पूछा, बल्कि मुझे तो बचपन में तो बड़ा गुस्सा भी आता था इस बात के ऊपर कि भाई बहुत पैसे होते हैं हमारे यहाँ, गाड़ी होती, ज्यादा बड़ा मकान होता, दुनिया की लग्जरीज होती। मैं अब्बू से पूछता था कि अब्बू आपने क्यों नहीं किया, आप तो मल्टीनेशनल में जॉब कर सकते थे। और अब्बू के साथ के बहुत सारे कलीग्स हैं वो ऑयल कंपनीज के सीईओज हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर, तो और यू नो कि क्या एक प्रोफेसर के पास होता है। लेकिन अब्बू ने मुझे कहा कि देखो मैंने ये काम इसलिए चुना कि ये जो है ये अंबिया का काम है, तालीम देना और तालीम के साथ जो है वो जुड़ना और पढ़ाना, दिस इज माय पैशन, और मैंने इसलिए ये काम किया और इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने चुना, आपने ये रास्ता लिया। अब रेहान भाई मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो आपका सवाल है उसकी तरफ, आज मेरे अब्बा को रिटायर हुए 60 ईयर्स की एज में हुए, उसके बाद भी उन्होंने 8 साल तक जो है वो, या 6-8 साल तक किसी ना किसी तरह पढ़ाने से जुड़े रहे। वो उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए, उसके बाद वो सुई गैस के अंदर जाके मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ाने लगे, उन्होंने पढ़ाने को नहीं छोड़ा, इट रन्स इन हिज ब्लड। लेकिन इस माशरे ने, मैं नहीं समझता कि उनसे कोई फायदा उठाया, कोई नहीं आया उनके पास ये कहने के लिए कि डॉक्टर साहब आपने तो इतना वक्त तालीम के लिए गुजारा है, आए बताएं हम टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, मुल्क से जहालत मिटाने के लिए, या आप एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे आप बताएं हमें, नेवर। मतलब बहुत ही मिनिमम लेवल पे ऐसी कोई बात हुई हो, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि उनसे फायदा उठा सकता था माशरा, माशरे ने नहीं उठाया। अच्छा, अब्बा की मैं बात करूं तो मैं अब्बा को कहता हूँ कि भाई आप ये कर लेते, या आप फला करिए, इस तरह से आप कॉन्ट्रीब्यूट करिए, ये करिए, तो जहां पे भी अब्बा जाएंगे तो लोग, मतलब वो यूनिवर्सिटी में आज भी 2 क्लासें पढ़ाते हैं एट दिस एज, लेकिन रेहान भाई वहां यूनिवर्सिटी के जो बाकी टीचर्स हैं या जो फैकल्टी, वो ये समझती है कि इनको शायद पैसे की लालच है, ये बुढ़े हो गए, ये क्यों आ रहे यूनिवर्सिटी, जान छोड़ दें, पैसे कमाने के चक्कर में आते हैं ये। 78 years of the age, he is a vice chancellor, he has been a vice chancellor, he is a PhD, he is a very respectable person, but यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताऊं कि रेहान भाई वहां पे जो उनके साथ के इवन जो कोलीग्स है ना, जो उनसे जूनियर है, इवन उनके स्टूडेंट्स हैं जो कि आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो ये नहीं चाह रहे कि जी बाल मोहसिन साहब आए तो जी, वो जाहिर में बोलते हैं बट इन एक्चुअल सवाल है भाई, जान जोड़ो, घर बैठ जाओ जाके। दूसरे 30-40 साल पढ़ाते पढ़ाते रेहान भाई उनका जो गला है ना, थ्रोट है, उनके वोकल कॉर्ड्स हैं, आज जवाब दे गए। अब वो ज्यादा बोलेंगे ना ऊंची आवाज में तो अब उनकी आवाज नहीं निकलती, तकलीफ होती है उनको। तो यही यूनिवर्सिटी जिसको उन्होंने जिंदगी दे दी अपनी, और आज भी रिटायर होने के बाद 8-10 साल बाद भी वो जाके वहां क्लास लेते हैं, वहां पे कोई साउंड सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये मैं सिर्फ अपने वाले साहब को रोना नहीं रो रहा हूँ, मैं कराची यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे असातिज़ा की बात कर रहा हूँ इस एज में, इस पैटर्न पे जो कर रहे हैं। मैं भी सितंबर में जब बकरीद में गया तो मैंने जो हालत देखी, तो मैंने कहा कि मैं जाके, जो उनकी क्लास थी मैंने वहां पे जाके साउंड सिस्टम लगवाया, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल सुनिए आप, अगर आप जाके साउंड सिस्टम लगा दें तो अगले दिन वो चोरी हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने एक बंद डब्बा और ताला लगवाया। आई डोंट नो, इररिलेवेंट, तो आई कैन जस्ट स्विच ओवर यार भाई, मतलब द मोमेंट यू वांट, मालूम है कि बदबू बाहर आ रही है, कचरा पड़ा हुआ है, खराबी है, लेट्स फोकस ऑन
अगर आप उनको, क्योंकि हम अगर बराइयां डिफाइन करने चले गए तो और चैलेंजेस डिफाइन करने चले गए तो इतना लेंदी हो जाएगा कि हम हाँ शोबे यहाँ पे मैं जवाब वही, ये सारी बात मैं उसी बात को करने के लिए कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आई एम बेस नॉट बना ट्राइंग रहे टू, हाँ हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक व्हाट यू हैव आस्क्ड, ये उस सवाल के जवाब में ही ये सारी कहानी हो रही है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, सॉरी। आप डिफाइन कर रहे हैं उसको, ये मसला हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ ताकि नहीं उस, डिफाइन करते, क्योंकि मसले को हम डिफाइन नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम आपका अब्बा को गाइड करें, या अब्बा को बताएं, या अब्बा जैसों को बताएं। कोई भी प्रोफेसर है वो सुन रहा है, पाकिस्तान में 180 160 यूनिवर्सिटियां हैं, उस हर यूनिवर्सिटी में कोई 10 से 20 40 प्रोफेसर होते हैं, 5 लाख स्कूल हैं, हर स्कूल में 10 टीचर होते हैं, यानी 50,000, 50 लाख स्कूल हो गए, टीचर हो गए, 10,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में 10 स्कूल का 10 प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के होते हैं, कॉलेज के होते हैं, टीचर होते हैं, साथ होते हैं। आज अगर मैं सराइकी में, पंजाबी में, उर्दू में, सिंधी में नैनो रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना चाहूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? नहीं। क्या मैं उर्दू में पढ़ सकता हूँ? नहीं। क्या हमारे पास अकलमंद लोग हैं दुनिया में जो कि हमें पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल है। क्या जरूरी है कि हम यूनिवर्सिटी में जाके पहले एडमिशन लें फिर उसको करें? भाई हमें सीखने का दिल चाह रहा है कि नैनोबॉट्स क्या होते हैं, कोई लेक्चर तो होगा उर्दू में, अल्लाह के बंदे कोई तो बता दो नैनोबॉट्स क्या होते हैं, है ही नहीं। तो सवाल ये है कि हम इस वीडियो को अपनी कौम की सलाह के लिए कैसे इस्तेमाल करें? इससे तो हमें और समझाना है उस ऑडियंस को जिसके पास इल्म है लेकिन वो शर्म और हया में, और उसके जी यार कौन सुनेगा इसको, उसके उनको समझा रहे हैं आप। दैट्स माई क्वेश्चन, फॉरगेट रमेश जी, अबाउट ये जो मैंने ऐसे में तकरीर का शौक है ना, या लीडरी का शौक मैं है, तो आपको जरा बहुत, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि आप अपनी पूरी बात बोल दें, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये बात आपके दिल पे है और किसी ने कभी पूछी नहीं है, तो आपको पहली दफा आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं तो बात को डॉक्यूमेंट करते हैं, लिखते हैं, किताब लिख डालते हैं, चाहे वो को पढ़े ना पढ़े, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप बोल सकते हैं भाई मैं किताब लिख चुका हूँ सब्जेक्ट के ऊपर, कोई पढ़े ना पढ़े डजंट मैटर। सो लेट्स फोकस राइट नाउ ऑन, ये जो हम पूरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ये किताबचा बनेगा, और उस किताबचे के अंदर हम नेगेटिव चीजों को अवॉइड करें तो अच्छा है। और वो नेगेटिव नहीं है, वो एक तारीफ हो रही है, लेकिन हमने पहले भी कहा ना, शैतान की तारीफ करने का कोई फायदा नहीं, अल्लाह की तारीफ करने का फायदा है। लेट्स फोकस ऑन कि हम करें क्या और उनको क्या समझाएं। दैट्स माय सिंपल क्वेश्चन, कि एक 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 आम प्रोफेसर सुन रहा है, और वालिद, मैं इसलिए टच ही हो गया, वो वालिद को नहीं जाना चाहिए था। नॉर्मली नहीं आइंस्टाइन है कि नहीं आप नहीं सवाल ये किया करें कि 9 साल के बच्चे को समझाना है, चले हम 9 साल के बच्चे को समझाएं, क्योंकि तो 9 साल के आप, बच्चे नहीं होते। रेहान भाई, एक दो तीन चीजें बेसलाइन डेवलप, या मैं तो, क्योंकि भाई मेरे दिल में जो बात है मैं उस तरह से ही कह सकता हूँ या कहता हूँ, वो ये है। नंबर 1, मैं कभी भी ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई बात नहीं करता हूँ। अरे यार, मैंने ये चीजें छोड़ दी हैं कि भाई मैं किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड हूं, मुझसे किसी ने पूछ लिया कोई, तो मैं जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दूं। दूसरी बात, कहीं कोई आदमी जो है वो, सॉरी टू से, बात जगह होता है कि कोई आदमी जरा आगे पीछे हो रहा होता है और कोई फैसला आपसे करवाना चाहता है, I आपको इन्फ्लुएंस don't करना। want to know this. I don't want to know this. I just एग्रीड want answer. एग्रीड एग्रीड, तो मैं उस सवाल पे ही पहुंच रहा हूँ जो मैं आपसे बात कह रहा था रेहान भाई, कि आपके ये उर्दू में नंबर बहुत सारे अच्छे आए होंगे सारे, आप कॉलेज में अच्छे पढ़ के आए होंगे, इतनी मोटी मोटी लिख के आए होंगे अच्छे से, मैं फेल होने वालों में से हूँ। मैंने मैं तो स्कूल, पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था, कभी भी नहीं था, तो पढ़ाई में पढ़ाई सही अच्छे था। थोड़ी होती है जो कहानियां लिख के आते हैं, बस लिखने वाले होते हैं, लिखत तो है ना। नहीं भाई, खैर छोड़े, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक प्रोफेसर या कोई बच्चा इस टूल को कैसे, मैंने ये जो सारी सिनेरियो बिल्ड किया था उसके बाद मैं कहना ये चाह रहा था कि इनकी आवाज, तमाम लोगों की आवाज माशरे में सदाबहार सह रहा है, यानी कोई सुन नहीं रहा है। तो अच्छा, अगर ये मीडिया के ऊपर जाएंगे, किसी चैनल के ऊपर जाएंगे, वो भी अपने एंगल से बात करेंगे, ये अपनी बात कह ही नहीं सकते। देर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। देर कम्स वॉट यू आर डूइंग, जो जो आप पूछ रहे हैं ना कि बात पे आओ, तो मैं बात पे आ रहा हूँ ये, लेकिन उसके पीछे ये सारा मंजर बताना था। आज अब्बा फर्ज करें उनके पास एक नॉलेज है, वो कहते हैं कि भाई 3 करोड़ बच्चों को मैं इस तरह पढ़ाना चाहता हूँ, या इस तरह से इलिटरेसी खत्म हो सकती है, कहाँ जाकर के वो बात करेंगे।
कोई ये बात करने को किसी के पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। दूसरा, ये चीज बिकती नहीं है, दिस इज नॉट अ सेलेबल कमोडिटी। तो बड़ा जहीन जहन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वेयर टू गो, यू विल हैव नो अपॉर्चुनिटी इन दिस सोसाइटी, एंड देयर कम्स दिस टेक्नोलॉजी सडनली बूम्स अप। मैं तो कल, आपने मुझे बोला कि भाई 6 महीने पहले आया ये फेसबुक लाइव, मुझे तो पता नहीं, मैं समझ रहा हूँ 6 साल से आया हुआ है कि 6 महीने से आया हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन देयर इज अ फोरम एंड देन देयर आर पीपल यू कैन नेटवर्क। और आप क्या चाहते हैं, जियो के ऊपर जाकर के जब आप एक बात कहना चाहते हैं तो यही चाहते हैं ना कि आपका मैसेज लाखों लोगों तक पहुंच जाए। अब आपके पास ये मैसेज, ये मीडियम आ गया। इस मीडियम में आप किसी मैनिपुलेटर के पास ना जाएं, क्योंकि जाहिर है हर किसी की टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन कम है। वो एक अच्छे या सही या रिलायबल आदमी के पास अगर चला जाए और जाकर के कहे कि दे, और वो आदमी भी अच्छा हो, तो ये दो अच्छे लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे। एक के पास एक सोल्यूशन है और एक ऑडियंस को एक मैसेज दे सकता है, एक के पास एक समझ है कि ये किस तरह से लाखों लोगों तक बात फैलाई जा सकती है। एंड दैट इज हाउ यू कैन, यू नो, ये जो डर्टी चीजें हो रही है ना मीडिया के ऊपर मुसलसल, मतलब आई हैव लेफ्ट, मैं तो अब मेरी सलाहियत खत्म हो गई है रेहान भाई, कि पाकिस्तान का को कोई चैनल 1 मिनट के लिए भी बैठ के देख सकूं। आई हैव लॉस्ट इट आउट, जबकि मैं जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक है, मुझे सियासी खबरें सुनने का कितना शौक होगा, मुझे कितनी, जो मुझे मुझे मैं कुछ नहीं अब देख रहा हूं दुनिया के अंदर। आप जस्ट पुल्ड आउट ऑफ इट। मैं बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं ना पॉजिटिविटी की बात करो, और यही तो है, लेकिन यहां तक पहुंचने में ये सारी चीजों को पीछे बताना भी पड़ता है, काटना भी पड़ता है। और करके बोलता हूं मैं कि भाई अगर अच्छा, और ये मेरी दरियाफ्त कोई 10 साल की तो है नहीं, ये मुझे 4 दिन पहले बात पता चली, मैं आज ऐसे बिलीव कर, 4 दिन बाद मुझे कोई और बात पता चल जाएगी, मैं उसके साथ चला जाऊं। जो दिल बोले, दिल की सच्चाई बोले कि भाई ये कुछ सच्चा लग रहा है, चलते चले जाओ। जहां पे दिल ने अलार्म बजाना शुरू दिया कि भाई इसके अंदर जो है ना फला कोई गड़बड़ या मैनिपुलेशन है, अपने आप को डिसोसिएट कर लो उससे बस। और तो रेहान भाई, आप बोल रहे, मैंने लिखाई पढ़ाई किताबें, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आज, मेरी उम्र 40-42 साल है, मेरे पास एनआईटी यूनिवर्सिटी की एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, मुझे नहीं पता मैंने वो कैसे पास किया, मैंने रट के पास किया, मुझे इंजीनियरिंग का अलिफ का बे नहीं आता। मैंने डेलहाउजी यूनिवर्सिटी से, हेलीफैक्स से मास्टर्स किया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। मुझे रेहान भाई सच बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे अलिफ की बे नहीं पता पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की। मैंने 12 साल काम किया है ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, ब्रिटिश पेट्रोलियम, वेदरफोर्ड, श्लम्बरजर और सऊदी आराम को। मुझसे आप खड़ा बिठा लीजिए आप कहीं पे, और कोई इंजीनियर वो बोलेगा भाई, मुझसे एक दफा, मैं एक वो इंजीनियरिंग कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, मुझसे पूछ रहा है आपने इंजीनियर की वो बर्नौली इक्वेशन आती है आपको? मैंने उसको बोला बर्नौली इक्वेशन, वो ऐसा होता है कि जो ऐसे, मैंने 2-3 हो गया ना, वो हंसने लगा, बोला यार मास्टर्स हो तुम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, एनआईटी से तुम्हें, तुम बर्नौली इक्वेशन नहीं बता सकते हो? यार उस वक्त रट रटा के इक्वेशन ने ये वो लड़कों से पढ़ पढ़ा के कहे, आई सिंपली हैव नो आइडिया व्हाट बर्नौली इक्वेशन, आज मुझसे पूछ ले कोई, आई डोंट नो व्हाट बर्नौली इक्वेशन इज, दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन रेहान भाई उसके बाद हुआ क्या कि मैं बहुत पीछे की एज से इस्लामी जमीयत तलबा मैंने ज्वाइन की, और वो भी इट वॉज एन इत्तफाक। मैं एक मस्जिद में गया, वहां पे लोग कुरान पढ़ रहे थे, जमीयत के 5-6 लड़के, उनमें से कोई एक लड़का मिला, मैंने उससे हाथ हाथ मिलाया, उसने मेरे सीने पे अल्लाह अकबर का एक बैज लगा दिया, एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट, यार दिस इज समथिंग गुड। और मैं घर गया, जाके मैंने अपने अब्बा को बताया कि मैंने जमीयत ज्वाइन कर ली। ही वॉज स्टर्न कि ये क्या कर रहा, क्या बोला इसने। लेकिन विद इन कपल ऑफ डेज उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि भाई नौजवान होते हैं, इनकी अपनी सोच होती है, डोंट डिस्टर्ब देम, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। ऑल्दो मुझे पता है कि ही नेवर लाइक्ड इट, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ जानते थे, ही न्यू, और मैं जमीयत में चला गया। लेकिन देयर इज वेयर, ये जो दिल विल वाली बातें मैं सारी कर रहा हूँ, ये सब बातें वहीं से तो हुई हैं। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस इज्तमाइयत के अंदर रेहान भाई 2 नंबर लोग भी देखे, ऐसा नहीं है कि वो कोई आइडियल वर्ल्ड थी, लेकिन जो वहां अच्छे लोग देखे उन्होंने ऐसा, आई एम सोल्ड आउट टू देम फ्रॉम दैट एज टिल डेट।
हर दुनिया के हर खत्ते में मुझे उनके अंदर ऐसे ऐसे खूबसूरत, कोई कभी यंगस्टर मिलता, कभी 80 साल का कोई बूढ़ा मिलता, कोई कभी कोई खातून मिल गई, एंड दैट इज वेयर द फ्लेयर केप्ट ऑन। तो बस अब उस सारी थ्योरी के अंदर क्या है भाई, उस सारी थ्योरी के अंदर यह है कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम लाना है, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम लाना है। लोग इसको दीनी मसला ले लेते हैं, मैं दीनी नहीं, ये तो इंसानियत की बात है भाई। और ये कि भाई आप पाकिस्तानी है तो आपके लिए पाकिस्तान का मसला है, मैं ये भी नहीं समझता। मैं दुनिया के 7 बिलियन लोगों को अपना ऑडियंस समझता हूँ और समझता हूँ कि हमें सबके लिए खिदमत का काम करना चाहिए, सबके लिए जो है वो मोहब्बत करना चाहिए, सबको जो है अच्छे रास्ते। और ये नहीं कि भाई हमारा ही रास्ता अच्छा है या इस्लाम का ही रास्ता अच्छा है, भाई हमें तो अच्छी एग्जाम्पल्स बनाते चले जाना चाहिए। और कहीं जोर जबरदस्ती नहीं है इसके अंदर, यू शुड बी सो इंस्पायरिंग, या आपका काम इतना अच्छा हो कि लोग खुद ब खुद आ जाए। और जो कोई आपसे बदतमीजी करे, सख्ती करे, वो करे, तो आप सबर कर लें इसके ऊपर। बस ये 2-3 कुल्लिये हैं, और ये भी किसी दिन चैलेंज हो जाएंगे मुझे नहीं मालूम, बट जो जो चीज पे बेसलाइन डेवलप हो गई। अली भाई सर की बात सुन ले, यानी मैं अपनी बकबक ज्यादा कर रहा हूं। रेहान भाई आई एम ऑफ। तो जो भी एडिटर साहब इसको सुन रहे हो उनसे गुजारिश है कि ये सारा जो बनाया था इसको अलग कर दें। दोबारा मैं अली से सवाल करता हूँ। अली सवाल ये है कि अगर आप किसी को ये बताना चाहें कि एक टीचर जो या एक आदमी जिसको जो भी बात मालूम है, जैसे आपको आज मास्टर्स की डिग्री तो आपके पास है, आपने खुद फरमाया कि पेट्रोलियम की मास्टर्स की डिग्री आपके पास है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अली भाई आप मेरे साथ 4 घंटे या 4 नशिस्तों में 1-1 घंटा बात करें कि मुझे एक नया आई हॉस्पिटल बनाना है तो ज़रा मुझे उसकी तरकीब लिखवा दें, तो आप आँख बंद करके मुझे लिखवा सकते हैं। वो बहुत तो दिल से लिखवाऊंगा। आपका PhD हुआ ना फिर उस काम के अंदर, क्योंकि हमारे एक टीचर है वो कहते हैं जो आप 500 घंटे आप जिस चीज पे काम कर लें उसके अंदर आपका PhD होता है। तो आपको एक तो बोलने में PhD है और दूसरा आपका PhD जो है वो एक आई हॉस्पिटल बनाने में है। तो जो भी वो आपसे पूछेगा आप उसको बता सकते हैं। अब आपका PhD तो नहीं है लेकिन तकरीबन मैट्रिक तो हो ही गया है वीडियो बनाने के अंदर, इंटरव्यू करने के अंदर, और इंटर भी मैं तो कहूँगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से उसकी इमेजेस बनवाए, बहुत सलीके से लोगों को बुलाया, बहुत अच्छी तरतीब रखी, शुरू में नात लगाई क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को कनेक्ट करने में, तो आपने ये जुगाड़ लगाया कि आपने बोर होंगे लोग, चलो मैं नात लगा दूँ, हम लगा दूँ, लोग सुनते रहेंगे, आके अपने आप को ज़रा कैमरे पर भी सेट करेंगे, फिर खट करके वो ज्वाइन कर लेंगे। यू डिड ब्रिलियंट ऑन दैट, आई मीन नॉट गुड, आई वुड गिव यू 11 out of 10 ऑन दैट, फैंटास्टिक जॉब यू हैव डन। तो अब सवाल ये है कि अब जो आपने अपने मैट्रिक और इंटर करके जो सीखा, अब आप उन लोगों को जो अभी तक क्लास 1 में एंट्री नहीं ले रहे, नर्सरी में भी एंट्री ले रहे, वो कैमरे को देख के उनकी हवा ख़राब हो जाती है, कहते मैं नहीं करूँगा, मैं ज़रा कॉलर मेरा ख़राब है, मेरी आँख ख़राब है, मेरी आवाज़ ख़राब है, मेरी माइक्रोफोन ख़राब है, मेरी लाइट ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, कुछ अच्छा है ना, कोई तैयार ही नहीं है, तो मैं नहीं आ रहा। अब आएंगे इंशाल्लाह, करेंगे भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करेंगे। अब उनको आपने कोई ऐसा मंजन की पिच देनी है कि वो आ जाए, उनको आप किस तरह बताएंगे कि इससे आपको ये फायदा होगा, अब्बा हुजूर या मेरे अंकल हुजूर, ये सर आप नहीं, ये नहीं, बहुत सही बात है। इसको यूं कहते हैं कि या यूं लोगों को समझाना चाहिए या उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि भाई ये जो है ना आवाज अच्छी नहीं है या एक फियर है दुनिया में, मैंने सुना है कि पब्लिकली स्पीकिंग करने की वजह से सबसे ज्यादा फेटेलिटीज होती है अमेरिका वगैरह में, ऐसी है कोई बात रहे भाई? लोग बोलने से बोल पब्लिक स्पीकिंग इज द सेकंड बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड आफ्टर डेथ। सही है, लोगों को मरने से डर लगता है, उसके बाद जो है वो लोगों के सामने बोलने से। हाँ रेहान भाई, जो मुझे आप इतनी बातें कर रहे हैं ना कि ऐसे बोल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, देखें हम लोगों को तो इस्लामी जमे तलवा में जब हम गए वहां पे एक ही काम था हमारा, बेसिक काम खुद, मेरा भी ऐसा जब शुरू किया बोलना, जमाते इस्लामी को बार बार मार्केट करने लग जाते हैं, इस वक्त हम
हम वीडियो की बात कर रहे हैं कि वीडियो मैं सारे दुनिया बता के 1 मिलियन हैं लोग, उन सबको बोलना आता है, हम बोलने की बात नहीं कर रहे, हम वीडियो इट पे इज बोलने। वो उसकी वजह से आपको वो ट्रेनिंग मिली ना, आप ये कर सकते हो, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो। आप इसको ब्रिलियंट ब्रिलियंट कह रहे हैं, जो आम पब्लिक है, जो कि आपके जब आप कहते हैं कि आओ और आके पब्लिकली बोलो, वो इसलिए नहीं बोल भाई पाते। मैं जमात इस्लामी के, पीटीआई के, जेयूआई के, पीपीपी के, सबके लोगों को पिछले 10 साल से गाना गा रहा हूँ। खुदा के वास्ते यूट्यूब आ गया है, आ जाओ। खुदा के वास्ते यूट्यूब आ गया है, बोल लो। खुदा के वास्ते बोल लो, कोई नहीं बोलता। ये वो है लोग हैं जो आपके साथ 50,000 लोगों के सामने जलसे में बोल सकते हैं, कैमरे के सामने उनकी आवाज खराब हो जाती है। वो अहमियत नहीं देते कि सोशल मीडिया के अंदर कोई ताकत है जिसको हम इस्तेमाल करें। वो अहमियत नहीं हाँ देते कि इसके अंदर हम, वो उनके सामने जियो टीवी का कॉल आएगी तो वो चले जाएंगे वीडियो पे। उनको ये एहसास नहीं है कि अगर वो आके 5 आदमी से फेसबुक लाइव पे बात करेंगे तो आपसे 1 साल बाद भी वो देखा जा सकता होगा। टीवी पे आज आप बोल के चले जाएंगे, किसी को पास आर्काइव नहीं होगा। एग्रीड एग्रीड आर्काइव जब आपके पास होता है तो आपको पकड़ा जा सकता है गले से कि आपने 1 साल पहले ये बात बोली थी। आज सिर्फ 6-5 साल पहले जब मेरी आपकी मुलाकात हुई थी, उस वक्त मैंने आपको अगर कोई गलत बात बोली होती तो आप मुझे निकाल के बताते, भैया आपने 5 साल पहले ये बात बोली थी। आज हाँ आप मुझे नहीं पकड़ सकते, कहेंगे यार हो सकता है कुछ बोला हो सकता। इंसान है ना, भूल जाते। तो जो सियासत का सबसे बड़ा मसला है, हम झूठे हैं, अपने आप को बोलते हैं ना कि हमारे सियासत झूठे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ये एक टूल है कि आप उनको वीडियो पे बुलवा दें। उनकी आर्काइव यूट्यूब पे पड़ी होगी, वो झूठे को निकाल के झूठे का मुकाला हो जाएगा। अब उनको ये बात से डर लगता है, ये हो गए खौफ। अब इसके प्रोस क्या हैं? ठीक है, हम एक, मैं जो बताना मैं चाह रहा हूँ कि ये जो करप्शन करप्शन करते रहते हैं हम लोग सुबह से शाम तक कि हमारे लीडर खराब हैं, हमारे लीडर खराब हैं, हमारे लीडर झूठे हैं, साबित नहीं कर सकते ना। साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए। प्रूफ आपके पास इस वीडियो के जरिए आ सकता है, आप कोर्ट में जाके उसको बंद करा दें। अभी आपके आम आदमी के पास कोर्ट में जाने के लिए कोई कंटेंट नहीं होता, कोई मटेरियल नहीं होता, वो जाके कैसे बंद कराए? कोई जज उसके एग्री पास प्रूफ चाहिए। आपको मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप प्रूफ जनरेट कर रहे हैं लोगों के लिए कि ये आदमी अच्छा है या नहीं है, एक तो लोगों के लिए, दूसरा अगर वो झूठा है या अगर उसने गलत बात बोली है तो वो उसको फिर माफी मांगनी पड़ेगी या उसकी उसको उसकी सजा मिलेगी, है कि नहीं? तो अब हम वापस आते हैं, ये हो गए नेगेटिव साइड इसकी, पॉलिटिशियन के तौर पे। तो पॉलिटिशियन की तो हवा खराब हो जाएगी इस बात से कि अब यार मैं पकड़ में आ जाऊंगा, मैं तो नहीं बोल रहा ये बात। जिस तरह अखबार से उनको डर लगता है कि अखबार में लिखा हुआ आ गया, चले अब तो वो मसला हो जाएगा। लेकिन अब उनको अखबार की परवाह नहीं होती, अब उनको जंग की और बड़े अखबारों की फिक्र होती है, छोटे अखबारों से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन वीडियो एक ऐसी चीज है जो कि झुटलाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप नजर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया इनको, जिससे वो डर के भागते हैं। जो बोलने वाले हैं वो भी डर के भाग जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। उनको फायदा क्या होगा ये बताइए, आपके ख्याल में अभी तक? बोलने वालों को ये मतलब दे डेवलप देमसेल्व्स। सवाल पूछना खुद निस इल्म है, और एक मतलब इंसान के ग्रो करने का प्रोसेस है ना इस सारे सिस्टम के थ्रू, तो दे विल बेनिफिट इन टेंस ऑफ डायमेंशन, टेंस ऑफ डायमेंशन। दूसरे जब आपको ये टेंस ऑफ डायमेंशन नहीं चाहिए, वो टेंस ऑफ डायमेंशन दिखानी है। बिरयानी में 50 मसाले डलते हैं, भाई मैं बिरयानी कैसे पकाऊंगा? 50 मसाले बताओ ना मुझे कि कौन से खरीदने होंगे तो फायदा होगा। आप कहेंगे बड़ा फायदा, ये सारे लोग आके मुझे बोलते हैं बड़ा फायदा होगा। भाई क्या फायदा होगा यार, बड़ा फायदा होगा या छोटा फायदा होगा डजेंट मैटर, ये चले फायदा माने फायदा ही होगा। नंबर एक, ठीक फायदा नंबर एक। भाई देखे, है, आप मेजबानी जब करते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप घर को ही बहुत तरतीब में रखेंगे, सलीके से उसके आने के वक्त का एहतमाम करेंगे, उसके लिए कोई तवाजो का एहतमाम करेंगे। यही सारा प्रोसेस तो आप इस फेसबुक लाइव में कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप मिसबिहेव कर रहे हैं, अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे हैं, आप तमीज से उसको सलाम नहीं कर रहे हैं, आप तहम्मुल से उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उसकी बात को काटेंगे गुफ्तगू के अंदर, तो होगा क्या? अगला आदमी, मुझे तो कनेक्शन का टाइम होता है,
उसी में कोई बंदा जो है पिस्ड ऑफ हो गया, कहे नहीं यार ये तो कनेक्ट ही नहीं होता, चलो काम ही नहीं होता. तो यू हैव टू बी पेशेंट, दोनों तरफ से ही होता है. तो स्टेप बाय स्टेप आपकी पर्सनालिटी के अंदर, क्योंकि आप देखिए ना, एक प्रोजेक्ट को अब आप सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं तो आप में तहम्मुल बढ़ेगा, आप में मेजबानी बढ़ेगी, आप में इखलाक बढ़ेगा, ये सारी चीजें भी तो मतलब बजाहिर नहीं लगती ये चीजें, लेकिन सारे बेनिफिट एक एक करके आप हासिल करते जाएंगे. इल्म में आपके इजाफा होगा, आप लर्न करते हैं इसके अंदर. एक आइटम बताएं, मैं लिख रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, इतनी सारे बता दिए. अब आप मुझे जितने आइटम बताएंगे मैं उसके ऊपर नंबर डाल रहा हूँ, पर आप हर आइटम को डिफाइन करेंगे आधा मिनट के लिए. नंबर एक, क्या चीज नंबर एक? वीडियो पे आके, फेसबुक पे आके वीडियो रिकॉर्ड करने से एक आम टीचर को या पॉलिटिशियन को, क्योंकि आपके ज्यादातर जो सर्कल में लोग हैं वो पॉलिटिक्स में हैं या सोशल वर्क में हैं या टीचिंग के शोबे में, तो इन तीनों शोबे में किसी भी आदमी को हमें फायदा गिनवाना है. यानी कि सही है, सही किताब में लिख रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है? तो अब मुझे ये फायदा लिखवाना है, ये किताब के लिस्ट है, इंडेक्स आ गई ना. अब मैं ये फायदा डिफाइन करूंगा कि ये फायदा नंबर एक ये है, फिर मैं उसके आगे एक नंबर डालूंगा, पेज नंबर, और उस पेज नंबर के ऊपर लिखा होगा कि ये फायदा नंबर एक ये डेफिनेशन है. आप आपको डिफाइन करना है, आपने पढ़ाना है, पढ़ाना है, ऐसे नहीं है बड़ा फायदा होगा यार, आ जाओ यूनिवर्सिटी में, MBA में दाखिला लेगा, बड़ा फायदा होगा. भाई क्या फायदा होगा ये तो बता दो यार, अल्लाह के वास्ते कोई बताने को तैयार नहीं हो रहा. तो आई नीड टू ब्रेक डाउन योर फवायद की लिस्ट एंड देन सब ब्रेक डाउन के बताइए, डिफाइन कीजिए आप इस फायदे को. नहीं है फायदा, अगर इस लाइक नहीं है बताने लायक तो उसको अवॉइड कर दो, ठीक है? फायदा नंबर एक, जो सोशल वर्क कर रहे होंगे ना लोग, उनको फायदा नंबर कि जो भी मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं ना, उसके लिए उनको दौड़ धूप करके पैसे जमा करने पड़ते हैं, ये सब करने पड़ते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बैठे बैठे ये फवायद हो जाएंगे उनको. फायदा नंबर एक ये एक लफ्ज डिफाइन करना होगा, उसको हम क्या लफ्ज देंगे? फंड रेजिंग कर ले. फायदा नंबर एक है फंड रेजिंग थ्रू वीडियो ऑन फेसबुक. अब आप बताइए फायदा नंबर एक किस तरह से फंड रेजिंग में कैसे फायदा होगा? वो ऐसे होगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको, चाहे आप पोस्ट की शक्ल में, चाहे कहीं आप वीडियो बना करके जब बोलेंगे तो उससे आगे ही फैलेगी, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज जिनके लिए आप परेशान हो रहे होंगे वो आ जाएंगे, फिर आप उन रिसोर्सेज से अच्छा काम कर लेंगे, वो ऑगमेंट हो जाएगा और फिर और रिसोर्सेज आ जाएंगे, एंड इट कीप्स ऑन मूविंग. मैं इख्तिसार से फायदा नंबर वन पे रुक गया, अब आप मुझे फायदा नंबर टू, वरना मैं लंबी तकरीर करने लग जाऊंगा. तो फिर फंड रेजिंग में आपने बताया कि फंड रेजिंग में इसलिए फायदा होगा कि आपकी रीच 10 आदमी के बजाय इंस्टेंटली 10,000 लोगों तक हो जाएगी, बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि आप जाएंगे मोहल्ले के अंदर ठेला लगा के बैठेंगे या कैंप लगाएंगे तो वहां पर 25 आदमी देखेंगे, वो 25 आदमी में जाके एक आदमी घर में बताएगा, तो वो जो रीच होगी आपकी वो रीच 500 से बढ़ के इंस्ट, अगर आप वीडियो बना के लगाएंगे तो इंस्टेंटली अगर वीडियो में दम होगा तो वो ज़्यादा लोग देख लेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद हो जाएगी, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप टीवी पे आके वही बात आज बोलें तो आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती है, उसकी रीच बढ़ जाती है, तो आपकी रीच बढ़ जाएगी. अब वो रीच चाहे आप फंड रेजिंग के लिए करें, चाहे रिश्ता मांगने के लिए करें, चाहे आप अपनी लेक्चर देने के लिए करें, चाहे आप वो दिल करी करें, तो आपकी रीच फंड रेजिंग की जगह मैं इसका टॉपिक दूंगा कि आप इसको चले रहने, आपकी रीच बढ़ जाएगी. अब आप रीच बढ़ने को अपने अल्फाज में जरा दोबारा समझा दीजिए, क्योंकि टॉपिक नंबर टू मैंने कर दिया फायदा नंबर टू रीच एक्सटेंशन. तो रीच बिल्कुल बढ़ जाएगी आपकी, और इस मतलब ये एक साइक्लिक चेन है, साइक्लिक प्रोसेस है रेहान भाई, एक काम होगा तो उससे एक और काम होगा उससे एक और काम. अभी आपकी तो टॉपिक नंबर टू को डिफाइन करना है, टॉपिक नंबर टू है रीच एक्सटेंशन. रेहान भाई वैसे जो वो है ना सोशल वर्क की दुनिया या इस तरह की चैरिटी के काम की दुनिया, इसमें बस ये एक ही फायदा सारा काम कर जाता है, तो मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको दूसरा क्या फायदा बताऊं.
रीच बढ़ने का तरीका बताएं और बताएं कि रीच बढ़ती है। ओ ओके, रीच बढ़ाने के लिए जो आपने वीडियो बनानी है वो मतलब ये कि अगेन मुझसे अगर आप प्रेफरेंस पूछेंगे तो कोई भी काम करें उसके अंदर सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें। अगर आपने तहजीब से सलीके की और जो भी वीडियो बनाए उसके अंदर इमोशंस, मैं कई कई प्रेजेंटेशंस देखता हूँ, कई कई चीजें देखता हूँ, मुझे उसके अंदर अगर मेरे इमोशंस नहीं मूव होते वो कितना उस पर कुछ हो आई डोंट केयर। लेकिन अगर हाँ मेरी आंख से आंसू निकल जाए या मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई देखते देखते वहां पे मुझे, और दिल की धड़कन उसी वक्त तेज होती है अगर आप एक सच्चे आदमी है तो आपको सच्चाई जो है ना वो, तो अब लोग कहते हैं भाई हमने वीडियो भी बना ली हमने पोस्ट भी कर दिया ना कोई आउटरीच बढ़ी ना कोई पैसा आया ना कोई कुछ आया, तो वो इसलिए नहीं आया या इसलिए नहीं हुआ कि आपने वो काम सही मेरिट पे नहीं किया। और मेरिट मेरे हिसाब से सच्चाई और इमोशंस है। सही, अब मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ। जब आप आई हॉस्पिटल बना रहे थे तो आप मुझे बार बार कह रहे थे प्लीज विजिट कीजिए प्लीज विजिट कीजिए, और मैंने आपको कहा कि प्लीज मुझे वीडियो बना के दीजिए प्लीज मुझे वीडियो बना के दीजिए प्लीज वीडियो बना, और उसमें वो तीनों चीजें नहीं थी जो आपने अभी डिफाइन की, ना उसमें आपकी शक्ल का भी मुझे नजर आई, तो ऑथेंटिसिटी नहीं थी उसमें क्योंकि वो आपने नहीं बनाई तो मुझे आप नजर नहीं आए, तो मैं आपको कैसे उसको एसोसिएट करूँ कि ये वीडियो ऑथेंटिक है, झूठी नहीं है, आपकी शक्ल ही नजर नहीं आई। सेकेंड, उसमें कहीं इमोशन नजर नहीं आए, और तीसरे उसके अंदर जो वीडियो की क्वालिटी थी वो ऐसी थी कि वो बंदा चल रहा है हिल रहा है, और वो यू नो वो भी बड़ी मुश्किल से बनी थी और उसमें नजर नहीं आ रहा, तो विजुअली अगर आप मुझे इंस्पायर कर देते कि मैं ये वीडियो देख लूँ तो मैं फिर चल के भी आ जाता, क्योंकि आप मुझे कॉल टू एक्शन में लेने में कामयाब हो गए। मेरा एक दोस्त है, आपने अभी बात करी कि जो सोशल वर्क में लोग होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्रोपोगेशन या रीच बढ़ाना या मार्केटिंग करना उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है या उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उससे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है मिच कार्सन उसका नाम है, और सिराजुल हक के ऊपर उसने डॉक्यूमेंट्री और किताब लिखी है। सिराजुल हक जिंदगी में पहले अमेरिकन है, उसके साथ मिले थे और ये सामने वो बैठा हुआ था, और जब से राजुल हक के साथ गप्पे लग रही थी तो वो ये कहता है कि एवरीथिंग इज मार्केटिंग एंड आई एग्री विद हिम टू अ बिग एक्सटेंट। चाहे आपकी सब चीज ये होती है कि आप एक चीज को समझते कैसे हैं, परसेप्शन क्या है, और उस परसेप्शन के बेसिस के ऊपर आपका दिल धड़कता है और उस धड़कने के बेसिस पे आप एक्शन ले लेते हैं। परसेप्शन वो क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया का सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज लोगो कौन सा है अली भाई? मैकडॉनल्ड्स। दुनिया का सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज लोगो है क्रिश्चियन क्रॉस। ओके, कि ये जो है ये मार्केटिंग का हिस्सा है कि जी क्रिश्चियन क्रॉस देखते हैं आप पहचान लेंगे कि जी ये जो है वो क्रिश्चियनिटी की बात हो रही। जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड है उसमें डेफिनेटली मेरे ख्याल में क्रॉस से बड़ा लोगो ऑफ मैकडॉनल्ड है, आई एग्री विद दैट। बट जो थर्ड वर्ल्ड या फोर्थ वर्ल्ड है कंट्री में अगर हम ले लेते हैं तो उसमें मैकडॉनल्ड होता नहीं है, तो अभी तक जैसे किनिया में मैकडॉनल्ड नहीं था लास्ट टाइम मैं गया था, अब पता नहीं खुल गया हो। सो कमिंग बैक टू द होल आइडिया कि एक्चुअली तो मसाइल जो हैं आप कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा कश्मीर के अंदर ज्यादती हम कर रहे हैं, इंडिया कह रहा है इंडिया कर रहा है और इंडिया कह रहा है पाकिस्तान कर रहा है, तो दोनों ने मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाया ना। मैं कल जहाज में जा रहा था तो पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ था कश्मीर के बैनरों से, तो हम मार्केटिंग कर रहे थे ना उसकी। कहीं पे भी मैंने आज तक कोई और कैंपेन तो देखी नहीं कि एयरपोर्ट पे कैंपेन चल रही है कि जी करप्शन मिटाओ या एजुकेशन बढ़ाओ या कोई यू नो कोई और इलेक्ट्रॉनिक कर लो गवर्नमेंट को या ये कर लो, इस तरह की नजर नहीं आई। लेकिन कश्मीर के ऊपर डेफिनेटली मुझे नजर आई, मुझे हैरत भी हुई कि ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का क्या ताल्लुक है कश्मीर से, तो बहरहाल ताल्लुक होगा कोई।
कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप अगर आपके वालिद अब वीडियो के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करा दें या आपके वालिद के जो टीचर्स हैं या पाकिस्तान के टीचर्स हैं वो वीडियो के लेक्चर्स रिकॉर्ड करा दें उन सब्जेक्ट के ऊपर जो उन्होंने पढ़े हैं वो नहीं, उन सब्जेक्ट के ऊपर जिनका उनको पैशन है। और जैसे अली भाई ने बताया कि मास्टर्स की डिग्री तो मेरे पास है लेकिन मुझे कद्दू आता नहीं उसके बारे में, लेकिन हॉस्पिटल बनाने की मेरे पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन आप मुझसे आँख बंद करके हॉस्पिटल बनवा ले मैं आपको बना के दे दूंगा, वो असल आपकी इन्फर नॉलेज है, असल एजुकेशन आपकी तो वो है जो आपको आता है, ये आता पढ़ा है इज नॉट नॉलेज। एग्रीड। मैंने आपको पहली वीडियो में अपने बताया था जब आपने मेरी क्लास की थी कि मैं एक्सपर्ट हूँ फेल होने के अंदर, मुझे पता हाँ है कि हाँ मैं फेल होने का एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट है हाँ मैं फेल होने का एक्सपर्ट हूँ, मुझे फेल होते हुए डर नहीं लगता। आपको मैं कहा हॉस्पिटल बना रहे आपको डर नहीं लगेगा, आपको कहूँ टेक्नोलॉजी सीख ले आपको डर लगेगा। तो एक्सपर्ट वो होता है जिसको उस चीज से डर नहीं लगता, हमें पानी से डर लगता है तो हम तैराक नहीं बन सकते कभी भी, जिस चीज से डरेंगे उस चीज को हम मसले को हल ही नहीं कर सकते। सही तो क्योंकि मुझे फेल होते हुए डर नहीं लगता तो मैं अपने आप को फेलियर का एक्सपर्ट बोल सकता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ फेल होने। एक्सपर्ट हैं फेल होने के, आप एक्सपर्ट हैं बीच में से काम को अधूरा छोड़ के भाग जाने के, भाग जाने का वर्ड मैं ऐसे ही इस्तेमाल करो, मतलब आपके बारे में ये है कि आप साइकिल को क्लोज ही नहीं करते, आप ऐलान कर देते हैं कि भाई इतने सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, फिर आपने वो के बाद जब मैंने आपसे अभी कुछ दिन पहले सवाल किया तो आप मुझे कह रहे हैं कि भाई वो टेक्नोलॉजी और एज आगे बढ़ गई, अब वो प्रोजेक्ट की रेलिवेंस ही खत्म हो गए, एंड व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी सेंसिबल, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है जैसे कि भाई ये तो मैं मतलब मेरी तबीयत ऐसी पढ़ाना था तो अब मेरी सांस तक लगा रहूंगा और इस तो मैंने एक जद्दोजहद का आगाज किया इसको पूरा करूंगा, अब मुझे 3 करोड़ बच्चों को पढ़ाना है, देयर इज नो चॉइस, लेकिन ये मेरी सोच का प्रोसेस है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं बहुत सिंसियरली कह रहा हूँ रेहान भाई, ये तो मैं जरा सा एक लाइटर मूड में एक दूसरे से हम ये बात कर रहे हैं, बट आई टोटली रिस्पेक्ट के मतलब ये फेल होने का जो आपने टेक्निक बनाया है इट ऑल्सो इंस्पायर्स मी, बिल्कुल सही बात है भाई, आप डरे नहीं, और मैं तो करता हूँ, मैं भी ये करता हूँ कि 10,000 महाज खुलने के लिए तैयार हूँ खैर के कामों में, क्योंकि मुझे पता है कि वो काम मैं तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला सही करवा देगा, तो मैं भी बिल्कुल फेलियर से नहीं डरता। ट्राइबल एरियाज के अंदर बन रहे हैं, नदरन एरियाज में 2 हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसी जमाने में हाई हॉस्पिटल बन रहा था, उसी जमाने में कुएं खुद रहे थे, उसी जमाने में थैलेसीमिया सेंटर का काम हो रहा था, उसी जमाने में थैलेसीमिक बच्चों की स्पॉन्सरशिप कर रहे थे, उसी जमाने में बर्मा का प्रोग्राम हो रहा था, और मेरे साथ जो लोग थे वो मुझे बोलते हैं कि भाई दिस इज नॉट करेक्ट और बेड़ा गर्क मारेंगे, लेकिन मैं भी ये चीज इस तरह करता हूँ, लेकिन आप जितनी बड़ी डाइवर्सिटी में ये कर लेते हैं और जितने खतरनाक मौजू आपके साथ कर रहे हैं, I'm really impressed, और सीखने की बात है ये, अगेन बुखराती हो गई मुझसे, बुखराती क्या होती है, मतलब ये कि तकरीर करने का शौक है, बकबक करने का शौक है, तो फिर बात कुछ हो रही है, बात कहीं और कर ली, तो तकरीर जरूर करें, लेकिन अगर हम इसी तरह करते रहेंगे तो उस पर टाइम नहीं आ रहा, कितना हो गया, और तो भाई आज मैं फेल हो गया रेहान भाई, ऑनेस्टली आज मैं फेल हो गया, क्योंकि अब तक जो है मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं इररिलेवेंट गुफ्तगू, मेरे मेरी कोशिश नहीं होती है, मैं आपसे तो दिल की बात कर रहा था, जो बोलना बोले जा रहा हूँ मैं, लेकिन आई एम सॉरी ऑनेस्टली कि आप जो चीज कहलवाना चाह रहे हैं इधर आई डोंट हैव द विजन या आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू स्पेल इट आउट या मुझे नहीं मालूम, मे बी आप कोई बात नहीं, सवाल आप अपनी बात को जारी रखें, जो होगा होगा अच्छा होगा, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा आपने शुरू में ही बताया कि बहुत कुछ सीखा, तो अब असल में बहुत कुछ आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो आप अपने जो साथी हैं जो पॉलिटिक्स के साथी हैं उनको क्या 4 स्टेप्स कहेंगे कि आप ये 4 स्टेप्स करें जिससे आपको सोशल मीडिया से फ़ायदा हो? नहीं मैं उन सबको यही ट्रैक फॉलो करने कहूँगा,
खुर्राम या जो भी सुन रहे हैं उनमें से किसी को आवाज़ आ रही है मेरी तो मुझे बता दें। अली की आवाज़ तो आना रुक गई है, मुझे नहीं पता कि मेरी भी आवाज़ आना रुक गई है या नहीं। काइंडली कंफर्म कर दीजिए। आखिर पढ़ाना ही क्यों है सारी कॉम को? बहुत अच्छा सवाल है खुर्रम, ये सवाल मैं से कर चुका हूँ और आप भी इनके साथ एक नशिश लगा के इनके साथ ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनका धड़कन है दिल की कि मैंने सबको जो है पढ़ाना है। कुछ कुछ इनके प्लान चेंज हुए हैं। असल में खुर्रम को मैं थोड़ा सा, खुर्रम जुबैरी के साथ आपका सेशन हो गया नहीं हुआ अभी तक? नहीं, खुर्रम भाई से फोन पे बात हुई है और माशाल्लाह से ये एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत बड़े बिलीवर हैं, लेकिन बात नहीं हो पाई है उस तरह से। पिछले साल के 2 मुझे बहुत अल्लाह मियां ने तोहफे, जो पाकिस्तानी तोहफे हैं उनमें से बड़े तोहफे जो हैं उसमें मैं समझता हूँ एक आप हैं और एक खुर्रम है, जिनसे मुझे बहुत हद तक जो है मुझे मोहब्बत हुई है और बहुत मैं समझता हूँ कि हमारी इंशाल्लाह दोस्ती बहुत आगे तक चलेगी। और वो पर्पस की वजह ड्रिवन है, उससे कोई जाती नहीं है, लेकिन जैसे मेरी खुर्रम से मुलाकात हुई तो मैं, और उस वक्त से ये माशाल्लाह he has आई गेस he has shown the ability to transform himself very quickly, जो कि आई फील इज द बिगेस्ट बिगेस्ट लर्निंग विच पीपल बिगेस्ट टैलेंट विच पीपल नीड टू हैव टू सर्वाइव इन द कमिंग टाइम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच पीपल विल हैव, जो लोगों को मुश्किल आएंगी फ्यूचर में, वो अपने आप को बदलने में आएंगी, क्योंकि हम अपने आप को बदलने में बहुत देर करते हैं, बिल्कुल जीरो पे पहुंच के फिर बदलने की कोशिश करते हैं, और माइंडसेट जो है वो कुछ भी हो जाए वो अपना नहीं बदलने को तैयार होते। तो खुर्रम की मेरी मुलाकात हुई और मैं इनसे मिलना चाह रहा था 5-6 साल से, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे थे, सिमिलर काम कर रहे थे। फिर अच्छा, मेरी इनसे शिकागो में मुलाकात हुई, 1 घंटे के बाद इन्होंने अपना पहली दफ़ा फेसबुक बना लिया, जबकि फेसबुक के खराब थे, हालांकि टेक्नोलॉजिस्ट हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज़रूर इनसे सेशन लेना चाहिए। और उसके बाद जिस दिन से मैं मिला हूँ उस दिन से हमने इनकी पहली वीडियो बनाई है, और अब तक हर एवरी सिंगल डे अपनी कंपनी भी चलाते हैं, बीवी बच्चों का भी ख्याल करते हैं और उसके फ्लाइंग भी करते हैं, उसके बावजूद भी हर रोज़ किसी न किसी के साथ लाइव आके और बिल्कुल यकीन मुस्तहकम के साथ वो आके वीडियो अपनी बना देते हैं, जैसे 1 बिलियन लोग देख रहे हो। डजेंट मैटर, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी वीडियो में, कि जब आप अपने व्यूअर्स नंबर को ड्रॉप होता हुआ देखते हैं तो आपकी इंटरेस्ट कम हो जाती है, और जब व्यूअर ज़्यादा होते हैं तो आप ज़्यादा फोकस, ज़्यादा, जैसे अगर मुझे पता हो कि मैं आज CNN पे आऊँगा तो मैं शेप भी बना के आता, अपने आप को और अच्छा बना के आता, पीछे से बैकग्राउंड भी साफ कर देता कि चलो यार ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये पता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं चल रहा है यार, कोई मसला नहीं है, जो होगा देख लेना, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट खुर्रम जो है हर हर वीडियो को प्रोफेशनली करते हैं, बहुत ख्याल से करते हैं, और इन्होंने जो सवाल लिखा है वो वही है कि जो मैंने आपसे किया था कि सर एक को पढ़ाना क्यों चाहते हैं भाई, आप क्यों बेचारों की जान के पीछे पड़ गए उनको पढ़ाने? एक दफ़ा 2 साल 3 साल पुरानी बात है, मैं एक एजुकेशनिस्ट के साथ बिठा दिया था मुझे सिंध टीवी पे, तो उन्होंने सवाल कर लिया कि आप पढ़ाने के लिए क्या करेंगे। मैंने कहा, मैंने सवाल किया, आप पढ़ाना चाहती क्यों भाई आप 70% को? मेरा भी सवाल तो ये सिंपल, मैं तो क्या, मैंने उनको यही जवाब दिया जो आपको दिया था, कि ये शुक्र करें अल्लाह का कि हम जाहिल हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम जाहिल हैं, हमको हम अपने आप को $2 रोज में जिंदा रखते हैं, हम अपने आप को, जैन ने क्या कहा था, यान उसका नाम है, एक्चुअली जैन नहीं बोला करें, यान है वर्ड, जे जो है जैसे सैन होजे है इस तरह यूरोप में जे इज ये यान, ठीक है? तो खैर उसने क्या कहा, सबसे पहला गिफ्ट तो ये जिंदा हो, हम $2 रोज में जिंदा रह सकते हैं, अमेरिकन को बताएं आप $2 रोज में जिंदा रहो कैसे रहेगा, मर जाएगा वो, कैनेडियन को बताएं $2 रोज में जिंदा रह के दिखाओ। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हमने जिंदा रहना आता है हमें $2 में, हम सर्वाइव कर सकते हैं, वी आर सर्वाइवर्स, ठीक है ना, गरीब आदमी सर्वाइव कर जाता है।
और उसको जो पढ़ाना है वो वही बात हुई थी उस दिन की कि हमें पढ़ाना है उसको जरूर, लेकिन उसको ये पढ़ाना है कि अलेक्सा से बातें कैसे करनी है, स्मार्टफोन से बातें कैसे करनी है। कल मैं अपने घर का जो एक लड़का है जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया, जो हमारे हमारे घर का है, हमारे ऑफिस के लड़के तो सारे आईटी साहब भी हो चुके हैं, घर का जो है जो हमारी गाड़ियां साफ करता है, गाड़ियां ठीक करता है, जब कभी वो भी कॉलेज स्कूल नहीं गया लेकिन सारी गाड़ी सर्विस कर लेता है, मैं नहीं कर सकता, वो पूरी गाड़ी खोल देता है, एक एक टायर पंचर अंचर एक एक चीज़ बाहर आती है फिर दोबारा फिट होती है। तो उसकी 5 फेसबुक की आईडी है, वो दिखा रहा था मुझे कि रहने दे मेरे 5 चलाता हूँ तो ऐसा तो नहीं कि वो स्लो हो जाता है इसकी वजह। तो उसको मैंने बहुत अरसे से सिखा रहा था, अब कल उसके फ़ोन को मैंने गूगल के फ़ोन को उर्दू में कर दिया कि अब तुम उर्दू में इससे बात किया करो, पहले तो इंग्लिश में ट्राई कर रहा था, इंग्लिश की टांग तोड़ता था, अब वो उर्दू बोल सकता है ठीक है ना, तो उर्दू में वो आराम से बात कर सकता है। तो हमें ये सिखाना है अपने आम आवाम को कि अपने डिवाइसेस को कैसे इस्तेमाल करना है, और आम आवाम तक तो हम जब पहुँचेंगे जब टीचरों तक पहुँचेंगे, टीचरों तक जब पहुँचेंगे जब प्रिंसिपलों तक पहुँचेंगे। और आपसे जो मैं बार बार जो कहलवाना चाह रहा था वो ये कहलवाना चाह रहा था कि हजरात जो टीचर्स हैं जो प्रोफेसर्स हैं अपने इलम को डेमोक्रेटाइज करें, अपने सही इलम को आप लोगों तक बांट दें, आपकी खिदमत की नज़रिए से ख़ास तौर पे जो जो आपके वालिद जैसे लोग हैं जो कि पैसों के लिए नहीं काम करते बल्कि इलम को प्रोपगेशन के लिए काम करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का जो एसेंस है वो YouTube को दे दें, जाके आपके जाने के बाद भी लोग आपसे सीखते रहेंगे और करोड़ों लोग सीख जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीचर आज उर्दू में प्रोफेसर या टीचर नहीं, आपको कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गया वो लड़का जो सबसे बड़ा टीचर है पाकिस्तान का इस वक्त इंटरनेट पे। कैन यू, बिरयानी बेचने वाला एक आदमी है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीचर है इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। दैट इज द बिगेस्ट जोक विच वी कैन हैव इन आवर लाइफ। ये डूब मरना चाहिए हमारे मिनिस्टरों को, हमारे एजुकेशनिस्ट को, कि आपने बुला के उसको शील्ड नहीं दी। आप करोड़ों डॉलर लेकर आते हैं, मांग कर लेकर आते हैं बिल्डिंगें बनाने के लिए, लेकिन एक लड़का सिंगल हैंडेडली लाखों लोगों को पढ़ा देता है, आप उसको एक खाना भी नहीं खिलाते अपने साथ बिठा के। तो सही है आपको शर्म आनी चाहिए कि जो लोग काम करते हैं उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, जो कि आज के लीडर का एक्चुअल काम है कि सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट करना है, और कुछ भी नहीं करना है, ना बताने की जरूरत है ना कुछ, सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद, एक चीज मौजूद नहीं है वो है मोहब्बत, वो है अप्रिसिएशन, वो आप दे दें बंदा कुछ भी कर जाएगा आपकी। सो कमिंग बैक टू सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं नहीं आप सही है। फिर मुझे बलीग भाई सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि यार मुझे किलो भर पानी में डूबने को क्यों कह रहे हो। तो बट मुझे अफसोस होता है कि हम अब हम जो करने के काम है उसके ऊपर नहीं कर रहे, अभी भी फोकस नहीं कर रहे, और क्योंकि हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड जवाब हमें चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड हमें सोल्यूशन चाहिए। ये सिंपल सोल्यूशन क्या है, आप फेसबुक पे बात कर रहे होंगे और उससे चीन और जापान का मसला ठीक हो जाएगा, उससे इसराइल फलस्तीन का मसला ठीक हो जाएगा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया 70 साल से साला सॉल्व नहीं सका, आप उसको फेसबुक से सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो बात आपकी, बात तो उसकी सही है कि भाई इतना आसान था तो किसी ने कर क्यों नहीं लिया। तो आज मैं प्रवीण की एक बात सोच रहा था कि प्रवीण ने एक मैसेज लगाया अपनी दीवार पर कि ये बताइए 10 और 1 क्या होता है, 101 होता है, 110 होता है, 105 होता है, क्या होता है, और या 11 होता है। तो किसी एक आदमी ने 11 नहीं लिखा है, एवरीबडी वॉन्टेड अ कॉम्प्लेक्स आंसर। तो अच्छा एक्चुअली लाइफ इज सिंपल, एक किताब है आप अगर टाइम मिले तो आप पढ़िएगा, कट वुड सॉरी चॉप वुड गेट वाटर, जो बेसिक तरीन काम है दुनिया का वो क्या है, खवातीन क्या करती हैं, पानी भर के लाती हैं और लकड़ी को जो लकड़ियाँ चुन के लाती हैं ना गाँव में। तो जी अगर आपको वाकई दुनिया का विजडम चाहिए है दिया तो जाए। सबसे बड़ा जो का तरीका काम करने का है वो ये है कि पानी भरना शुरू कर दो और लकड़ी को काटना शुरू कर दो, तब तुम्हें सबसे ज्यादा विजडम आएगा। वो ये विजडम इस तरह नहीं आएगा कि तुम बैठे हुए 50,000 किताबें पढ़ लो कमरे के सही अंदर होंगे, तो उससे दुनिया का विजडम नहीं आएगा। बिल्कुल सही सो
again, if my what I wanted to hear from you and the message I am trying to give you is ke hamare jo teacher hain asatiza hain wo apne ilm ko YouTube ke hawale kar dein, Facebook ke hawale kar dein, jaake usko zyada log grasp kar sake, zyada log hasil kar sake, zyada log usko catch kar sake. इसी तरह आपका दाई होने का दावा है, कॉन्स्टेंटली आप कहते हैं मैं दावत का काम करता हूं, 5 लाख लोग इज्तिमा में आते हैं, रायबंद के इज्तिमा में कराची में हुआ है तो 5 लाख लोग आए होंगे कम से कम, कम से कम. अगर वो 5 लाख लोग ये सोचने के बजाय कि फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ये गलत काम है, उसके बजाय वो 2-2 मिनट की अपनी वीडियो डाल देते कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, एक उर्दू में, एक पंजाबी में जो आपकी जबान है उसमें, और एक अंग्रेजी में, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर हिलने जैसे, अगर 1 लाख आदमी खड़ा हो ना और वो डंडा बजाना शुरू कर दे तो अर्थक्वेक आ जाए. एग्रीड. जैसे 5 लाख लोग अगर 3-3 मिनट की 2-2 मिनट की वीडियो डाल दें, इस्लाम है क्या? बार बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई वो तो वहां पे तो सब कुछ मौजूद है. अरे भाई तो तुम अपनी कब्र के लिए तो तैयारी कर लो, दूसरों को छोड़ दो. तो कितना बड़ा एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन आएगा. आप अगेन जमात इस्लामी फलस्तीन के लिए 1 मिलियन लोगों के लिए लोगों को रोड पे लेके आ जाती है. जमात इस्लामी 1 मिलियन लोगों की 3 मिनट की वीडियो डाल दें अंग्रेजी में, और अगर मसला 1-2 साल में सॉल्व ना हो तो आप मेरे मुझे आप गले से टांग दीजिएगा, मोहल्ले में मुझे आप रोड पे टांग. किसी को पता भी नहीं है कि एग्जिस्ट करता है प्रॉब्लम. तो जब किसी चीज को पता ही नहीं है तो वो कैसे सॉल्व होगा? वी नीड टू हियर बोथ साइड ऑफ द कहानी एंड दैट्स ऑल वी हैव टू डू. सॉरी, हाँ आप करा दो कुछ क्या उस पर टंग टंग टंगना से बचेगा क्या? हाँ जी बोलो. क्या क्या बोले बोले? अच्छा देखें, जो आप कह रहे ना कि आप मुझसे ये सुनना चाह रहे थे तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं बोला और आपने वो बोल दिया, तो एंड ऑफ द डे जो बात होनी चाहिए थी वो तो होगी. तो मेरी कब्र को फायदा होगा ना, आपकी कब्र को फायदा नहीं होगा, आपने बोलना है वो बात. नहीं मैं ध्यान में, मैं दिलो जान से इस बात के साथ हूँ. दिलो जान से तो 1.5 बिलियन मुसलमान साथ हैं, मुंह से साथ हो ना, एक्शन तो लें उसका. दिलो जान से साथ हैं, बोलना है बात. जी सर, जो जो आप कह रहे हैं 100% साथ हूँ, जिस तरह जहां चाहे जब बोलने के लिए कहे मैं इस पे इसको एडवोकेट करने के लिए तैयार हूँ. नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज के देयर इज ट्रूथ इन दिस कंटेंट, सो आई एम फाइन विद इट 110%. हमारे असातिज़ा को, हम जो भी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, अपने इल्म को लाएं, बहुत छोटे से टाइम के अंदर बड़े मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट क्रिएट करें. And let's make Pakistan better, let's make this world better. इस पे तो कोई डिबेट नहीं. आपको कहां बुलवाना है, जहां बोलने के लिए हो मैं हाजिर हूं सर. मतलब इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं. बाकी जो आप बुलवाना चाह रहे हैं, पता नहीं मैं बोल पाऊं या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 100% आपके साथ हूं इस बात पे जो आप कह रहे हैं. मैं दोबारा यही गुजारिश कर रहा हूँ कि 100% 1.5 बिलियन मुसलमान अल्लाह मियां की इबादत करते हैं, सही है, दिल जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं, दिलो जहां से ईमान रखते हैं, मुंह से बोलने को तैयार नहीं है पब्लिकली वीडियो पे. सर मैं आप स्टार्ट करें बस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. मैं तो सर हाथ उठा दिया मैं कि सर मैं हाथ उठाना नहीं है, एक्शन क्या लेना है, एक्शन ये लेना है. अगर आपने हाथ उठाया, चले ये मैं आपको एक्शन देता हूँ. राबिया भी सुन रही है, उसको भी बहुत शौक है एक्शन लेने का, आप भी सुन. एक्शन आपको लेना है कि उज्जवल सिंह ने ये बोला है कि आप रोजाना 3 मिनट अपना या 2 मिनट में अपना ट्रूथ डिफाइन किया करें. ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आप ट्रूथ आपका उर्दू में कर लें, एक दिन अंग्रेजी में कर लें, और उसको ट्रूथ को रोज अपना वहां छोड़ दिया करें. ठीक है, मेरा ट्रूथ है, 10 दिन तक करें या 30 दिन तक करें, ये योर चॉइस. वो तो 365 दिन का उसने अपने लिए बाइंड किया कि मैं एथियस्ट हूँ, दुनिया में कोई खुदा नहीं है, सब ड्रामाबाजी है, किसी के पास कोई सच है तो मुझे लाके बताए. तो ये वो करता है ना, तो आप ही उसको आप हम अपनी बात कर दें तो हम क्या करें, हम अपने ट्रूथ को डिफाइन करें. अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो पाकिस्तान के 200 मिलियन एम्बेसडर हैं, जिनमें से 110 के पास स्मार्टफोन है,
इसमें कैमरा है, 110 मिलियन वीडियो तो नहीं है पाकिस्तान की दुनिया में, बिल्कुल सही। अगर आज हम 100 मिलियन लोगों की वीडियो डाल दें तो गूगल अपना अपना वहां पे ऑफिस खोल देगा पाकिस्तान के अंदर, कि यहाँ 110 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर है भाई हमारे पास। एग्री, क्यों आएगा गूगल और फेसबुक पाकिस्तान जब वहां पे कोई कस्टमर ही नहीं होगा? तो वहां तो नंगे भूखे समझते हैं उसको, इसीलिए चाइना भाई जा देते हैं, उसको पता है ज्यादा उसके पास पैसा गवा देते हैं। अमरीकन नहीं आता इसलिए कि उसको कंज्यूमर नजर नहीं आता। कंज्यूमर कब नजर आएगा? आज पाकिस्तान, आप कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान के साथ तीन नाम एसोसिएटेड होते हैं। सबसे पहले उसामा बिन लादेन नजर आता है उनको, फिर कहीं बेनजीर भुट्टो नजर आती है, और फिर मलाला नजर आ जाती है। बाकी चीजें तो वो जानते नहीं है। टीवी पे पाकिस्तान का नाम अगर आएगा टीवी पे तो अगला लफ्ज क्या होगा? नेगेटिव वर्ड होगा कोई भी। तो अगर हमारे लोग अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते तो दूसरों से आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तारीफ करें? अगर आप अपने दीन को खुद अच्छा नहीं बोल सकते तो आप दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने दीन को अच्छा, हमारे दीन को अच्छा बोलें? सही है। तो दाई का काम करने वाले लोगों को तो ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। आप अपना काम करें, उठा के रख दें, ना इस्तेमाल कर ना देखें। तो अगर उसमें कोई खुराफात आ रही तो अगेन रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि मैं आपसे ये बुलवाना चाहता हूँ कि आप अपने टीचरों को ये मशवरा दें, आज इसी वीडियो पे बोल दें, हम इसकी क्लिप निकाल लेंगे, कि तमाम टीचरों से गुजारिश है। क्या गुजारिश है आप भाई? तमाम टीचरों से गुजारिश है कि फेसबुक को यूज करें, फेसबुक लाइव को यूज करें, अपने इल्म को जो है वो इसके ऊपर रिकॉर्ड कराएं, मत झिझके। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है, जरूरत है इस कौम की, इस मुल्क की, इंसानियत की। डोंट टेक इट लाइट, दिस इज नो जोक गोइंग ऑन, दिस इज नो फैंटेसी वर्ल्ड वी आर लिविंग इन टू, दीज आर ऑल रियल थिंग्स। और मैं खुद अपने आप को पेश कर रहा हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में इतना शाकी और अनइंटरेस्टेड था, लेकिन अगर ये दावत के काम का या मोहब्बत बढ़ाने का या जिद्दोजहद करने का बेहतरीन टूल है तो आई हैव टू चेंज एंड मॉडिफाई माई सेल्फ, और मैं इसको अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल राजी हूँ। बस मुझमें कमी कमजोरी है, मुझे हेल्प करे कोई भी इस फोरम पे बैठा, मुझे हेल्प करे। मैं अपना दिल लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आदमी दिल जान वहीं लगाता है जहां से उसको कोई उम्मीद नजर आ रही होती है। मुझे इस सारे काम के अंदर उम्मीद नजर आ रही है, तो काइंडली अगर कोई भी मेरी बात कहीं भी किसी तरह भी पहुंच सकती है, आगे बढ़े आगे बढ़े। जैसे मैं तो मेरे नजदीक इसको, मुझे इस पे एग्री डिसएग्री करने का इशू ही नहीं है, एक्शन आइटम की बात करें, बढ़े। वी हैव लॉस्ट सो मच ऑफ टाइम, वी डोंट हैव टाइम, तो 100% ऑल आउट ऑफ इट, ऑल आउट फॉर इट। अच्छा, आपकी बात सुन के अगर मैं टीचर होता तो मैं कहता वाह अली भाई बहुत अच्छी बात करी। अच्छा अली भाई, और क्या हो रहा है जिंदगानी में? मैं आप अब मैं दोबारा बोलने की कोशिश करता हूँ कि आपने किससे एक्शन में कन्वर्ट कराना। मेरे दोस्त इमरान, आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको ये वाला काम बहुत अच्छा आता है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप एक 10 मिनट की फेसबुक के ऊपर जाके अपनी वीडियो बनाकर अपना तारुफ रिकॉर्ड करा दें, या मेरे साथ लाइव आ जाएं, मैं आपका इंटरव्यू कर लेता हूं। दूसरा काम आप ये कर लें कि आप जो भी कुछ पढ़ाते हैं अपने स्कूल में, आज आप जो भी लेक्चर दे के आते हैं या कल आप जो लेक्चर देंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना लेक्चर आज रिकॉर्ड करा दें और रिकॉर्ड करा के अपने सारे स्टूडेंट्स को भेज दें, इसको देखना, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट भी देख लेंगे और आपका जो लेक्चर है वो ताहयात हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, अगली दफा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। एग्रीड। तीसरी बात, मेरे भाई फुरकान, आप बहुत अच्छे खतीब हैं, जुम्मे का खुतबा मुझे आपका बहुत पसंद है। आपसे गुजारिश ये है कि आप जुम्मे के खुतबे को आप एक हफ्ते पहले या बुध वाले दिन रिकॉर्ड करके लाइव डाल दिया करें, और हमको 10 मिनट दिया करें जुम्मे की नमाज के बाद, कि हम आपके लेक्चर से सवाल जवाब पहले से प्रिपेयर करके लाएंगे और पर्ची आगे दे देंगे, आप उसके जवाब दें। लेक्चर सुनने हम नहीं आएंगे, लेक्चर हम घर में बैठ के सुन लेंगे, या जब मस्जिद की तरफ गाड़ी में चलाते हुए आ रहे होंगे जब सुन लेंगे। हमें क्या जरूरत है कि हम यहाँ पे आके लेक्चर सुने, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, हमें जवाब दीजिए। राइट। आइटम नंबर 4, मेरे भाई हमीद, आप बहुत अच्छे कबाब बनाते हैं, आपकी बिरयानी, आपकी आपकी कबाब की दुकान में बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस हैं,
आपने देखा है कि आपकी दुकान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और आप जिस सलीके और तरीके से आप यहाँ पे खाना खिलाते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने कैमरे को लेके वीडियोस बना के सारे अपने एसओपीज, जितने श्योर आपके दुकान के एसओपीज हैं, एक एक मिनट की, दो दो मिनट की वीडियो बना दें। 100 वीडियो बनेंगी बमुश्किल। आप बना दें खाना वेटर को कैसे देना है, वेटर को लेना कैसे है, ऑर्डर कैसे लेना है, और वो YouTube पे लगा दें। और नेक्स्ट टाइम आप जब किसी एम्प्लॉय को हायर करें तो उसको कहें, बेटा यहाँ कोने में बैठ जाओ, ये सारी वीडियो देखो, फिर मुझे इंटरव्यू देने आना। तो वाओ उसको जो स्टाफ है वो बेहतरीन ट्रेन स्टाफ मिल जाएगा, बगैर ट्रेनिंग दिए, कुछ भी नहीं करना अवश्य होगा उसको, और सारी दुनिया में उसके जो SOPs हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। राइट आइटम नंबर 5, आपदा बहन, आपके हाथ की बिरयानी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत आप माशाल्लाह अच्छा खाना पकाती हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी जो फलाना बहन है उनको नहीं आता, आपसे गुजारिश है कि आप इसकी एक वीडियो बना के YouTube पे लगा दें, Facebook पे शेयर कर दें, मुझे भी जरूर भेजें, जाके हमारे लोगों को, हमारी वाली फलाना बहन को आपकी तरह की बिरयानी बनाना आ जाए। आप यकीन करें फ्यूचर में शायद बच्चियों को खाना पकाना भी नहीं आता होगा, क्योंकि सारे शान मसाले इस्तेमाल करने लगे। तो आपके लोगों को, बड़े को खाना भी नहीं पता होगा कि ये करना कैसे, प्लस आपको अंग्रेजी आती है। आपदा बहन, आप प्लीज उसको अंग्रेजी में भी रिकॉर्ड करा दीजिएगा, क्यों, आप एम्बेसडर हैं अपने मुल्क की, आप एम्बेसडर हैं अपने कुजीन की। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यूरोप के अंदर लोगों ने कभी मिर्चें खाई नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि खाना होता क्या है, मिर्चें होते क्या है। मेरी एक दोस्त है, वो कहती है कि तुम लोगों की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट हो सकती है ना, वो तुम लोगों के जायके हैं। वाओ चाइनीज एक किंग था 200 साल पुराना, मैं एक टूर ले रहा था, मुझे नाम नहीं याद उस किंग का। वो टूरिस्ट ये बोलती है कि हमारे किंग ने बोला कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा तोहफा है दुनिया को, वो हमारे खाने हैं। तो हमारे भी इसी तरह से इंडिया के जो खाने हैं, पाकिस्तान के जो खाने हैं, वो तोहफा हैं हमारे घर में, जो दिल्ली वालों के घर में या हर एक के घर में जो खाने पकते हैं, वो अभी कभी कचनाल किसी ने सुना भी नहीं होगा कि कचनाल के फूल का खाना पका हुआ है, कभी किसी ने सुना भी होगा इमली के फूल का कीमा होता है, कभी मैंने शान मसाला के फाउंडर को अपने घर पर बुलाया खाना खिलाने, उन्होंने कभी जिंदगी में चुकंदर सालन नहीं खाया था, उनको मैंने चुकंदर सालन खिलाया, उनका ये क्या होता है भाई, ये तो हमने कभी खाया नहीं। तो आपकी माएँ बहनें जब अपने रेसिपीज को डालेंगी इंटरनेट पे, तो आपकी तबलीग होगी कि खाना इबादत है औरत के लिए। अगर वो अपने अपने मियाँ को अच्छा खाना बना के खिलाएगी तो इबादत का हिस्सा जा रही है ना वो। तो हम अपनी इबादत में किसी की मदद करने को तैयार नहीं, सिर्फ इबादत जो है अल्लाह 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 देव इबादत, ये तो इबादत नहीं है ना यार। अल्लाह मियाँ राइट ने फरिश्ते पैदा किए उस काम के लिए, आपको तो काम करने के लिए पैदा किए। बिल्कुल जी बिल्कुल ये वो टिप्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं, बोलें, उनसे करवाएं। ये है वो दाई का काम, क्योंकि फिर अगर आपने ये कराना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि अब आपके पास होगा के आपके हिसार में कोई आ गया, आपके सर्कल में कोई है और ये काम नहीं कर रहा, तो फिर आप अपना काम सही नहीं कर रहे, आप अपना काम गड़बड़ कर रहे। तो ये होना चाहिए कि आपसे दूर भाग जाए लोग, मुझसे आप दूर भागते लोग, फिर नहीं, ये आ गया तो भाई वीडियो आने वाली है इस बंदे की, गया वो बंदा। तो क्यों आप दूसरे लोग नहीं बनते? मैं अभी अभी ह्यूस्टन में था दोस्त से, तो मेरी शामत आ गई, अबे तुमने उनको भी फंसा दिया, अबे तुमने उनको भी फंसा, ये लफ्ज आ रहे थे मेरे, ये भी गए, ये भी गए, ये भी गए। मैंने कहा आप मुझे 2 घंटे दे दीजिए, किसी के साथ भी वो बचेगा नहीं, आप छोड़ कोई बचेगा नहीं, आए मेरे पक्के। तो ये हमारे अंदर से ये होना चाहिए कि जब एग्री हम, अगर हम अच्छा समझते हैं किसी चीज को, तो हम अपने भाई के लिए अच्छा क्यों नहीं समझते उस चीज को। ओ यस ओ यस ओ यस वेरी सिंपल जी। अब आप हाथ उठा रहे थे। मैं एक तो हाथ ये उठा रहा था कि आपके घर जो अच्छा बनता है वो निहारी बनती है, क्योंकि आप लोग दिल्ली वाले हैं और हम हैं बिहार से ताल्लुक, तो हमारे यहाँ हमारी अम्मा बनाती है बिहारी कबाब, और बिहारी कबाब जो है वो हमारे यहाँ एक्सटेंट एक्सटेंट होता जा रहा है, क्योंकि उनकी जनरेशन के बाद वाले जो है वो हर चीज एक्सटेंड हो जाएगी। यू हैव अ नहीं पॉइंट, यू हैव अ टोटली, यू हैव अ वेरी 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 एक्सलेंट पॉइंट। दूसरे रेहान भाई, मैं तो ज्यादा बातचीत का उससे तो जो है, बट आई टेक योर पॉइंट, और जब तक मैं प्रैक्टिकली कर सकूंगा मैं इस मिशन में आपके साथ हूँ। आई एम ऑन आई विल डू आई विल इनकरेज पीपल टू शेयर देयर नॉलेज, देयर रेसिपीज, देयर बिजनेस टैक्स, व्हाट एवर इट इज, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी,
दिस इज सम बिल्कुल ये दावत का काम है, ये दाई का काम है। मैं तो खैर दाई वाई कोई क्लेम ही नहीं करता हूँ, लेकिन हमें ये काम को इसी स्पिरिट से करना चाहिए क्योंकि दिस विल अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। गुर्बत को देख के, जहालत को देख के, बीमारी को देख के, रेहान भाई बहुत तकलीफ, जुल्म को देख करके बहुत तकलीफ होती है, सिंपल एज दैट। और कोई भी हसास इंसान जो है ना, ये चीजें बर्दाश्त करने के मूड में है नहीं, बहुत तकलीफ होती है। तो मैं इस मकसद में सिर्फ इसलिए साथ हूं कि कहीं से भूख मिट जाएगी, कहीं बीमारी मिट जाए, कहीं कुछ कुछ अच्छा हो जाए। एंड इफ दिस इज अ इफेक्टिव टूल, मैं जो सफर 25 साल में जा करके 15,000 लोगों में करूं, मैं 5 साल के अंदर 15 करोड़ लोगों तक पहुंच जाऊं, इफ दिस इज द टूल, आई हैव नथिंग, मतलब व्हाई वुड आई रेजिस्ट फॉर एनी रीजन, व्हाई वुड आई रेजिस्ट। तो आई एम ऑल आउट फॉर इट, आई एम ऑल आउट फॉर आपको इट। अच्छा वैसे काफी लंबी बात हो गई, लेकिन एक किताब है अगर आपको शौक है, वैसे तो किताबें पढ़ने का शौक नहीं है लेकिन इम्पैक्ट का शौक है, तो बंदा का नाम है पीटर डायमेंटिस एंड किताब का नाम है अबंडेंस। उसकी यूनिवर्सिटी है अपनी, उसने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रखा है सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी, और सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी का जो पीटर डायमेंटिस है वो ये कहते हैं एंड आई बिलीव इट, चार आदमी 5 साल 1 बिलियन पीपल की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। वाह, चार आदमी 5 साल 1 बिलियन लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल यू नीड, ना पैसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये जो सोशल मीडिया है, इसके बाद आपको पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो नहीं कर सका, चार आदमी मेरे पास नहीं है अभी तक। मेरे जो जो रेहान स्कूल आपने कहा ये हो गया वो हो गया, मेरे पास अकेला रेहान कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ जब जब चीज बंद होती है, होता क्या है कि उसकी टीम बंद हो जाती है, सही उसकी सही। टीम टूट जाती है, या उसका जो को फाउंडर होता है या वो चला जाता है या होता नहीं, सही। इसलिए कोई भी काम पूरा नहीं होता। मैंने आपको पहले दिन बताया कि मेरे अंदर पैशन नहीं है एग्जीक्यूशन का। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पैशन ही एग्जीक्यूशन का, मुझे मैंने देखा है कि मिला, मेरे साथ हैं कुछ लोग काम करते हैं अभी, तो शायद मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं उनके साथ काम ना कराने पाने की, या जो भी चैलेंजेस होंगे मेरे अंदर भी, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तो उस वजह से आई एम अनेबल टू कम्प्लीट थिंग्स, जिसको आप कंप्लीशन समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको पता नहीं पहले बताया था नहीं बताया था, बिल गेट्स ने जो फाउंडेशन है उसके पास 120 बिलियन डॉलर है, उसके हिसाब से अगले 10 साल में बिल गेट्स की फाउंडेशन खत्म हो जाएगी। अगले 10 साल में ही डजेंट वॉन्ट टू मेक इट फॉर 100 ईयर्स। उसने अपने तीन टारगेट रखे हैं, वो टारगेट पूरा करने के बाद बकौल उसके वो फाउंडेशन अपने आप को डिजॉल्व कर देगी, खत्म हो जाएगी, उसका काम खत्म हो जाएगा। हर चीज का एक फंक्शन होता है, मेरा एक फंक्शन है। मेरा फंक्शन क्या है, मैं पटाखे फोड़ता हूँ, लोगों को जमा करता हूँ, कहता हूँ उसके ऊपर काम करो, थोड़ा सा खुद काम करता हूँ, करके दिखा देता हूँ कि देखो ये ऐसे होता है ऐसे होता है, कोई करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं होगा मैं अगला पटाखा फोड़ूंगा। मेरा काम पटाखे फोड़ना है, मेरा काम जो है उसको एग्जीक्यूशन तक एंड तक पहुंचाना नहीं है। मैं नहीं समझता कि मेरा ये काम है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात अपने अंदर एडमिट की है कि एग्री, ये मेरा काम शायद नहीं है, कि एग्री, मैं उसको मेरा जो मेरा इंटरेस्ट यू नो इज नॉट इन देयर, इट्स नॉट माय, इट्स नॉट, आई एम नॉट मेड फॉर दैट। दैट्स व्हाट आई फील, आई डोंट नो। जैसे आपने दिल की सारी कहानी दिल पे डाल दी थी ना, तो मेरा दिल ये कहता है कि आपका काम ये है ही नहीं, आप अब ना करें तो अच्छा है। तो मैं बड़ी मुश्किल से ये बात मुंह पे लाता हूँ, लाना शुरू किया, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहूंगा तो मुश्किल खत्म हो जाएगी, क्योंकि तो मैं तो एग्जीक्यूट करूंगा नहीं आखिर तक। किसी को अभी जितने मेरे प्रोजेक्ट हैं सबकी वेबसाइट है, अप एंड रनिंग चल रही है, जिसको लेना है इजाजत है, फुल कॉपी करो और शुरू हो जाओ। अच्छा लगता है अगर तो पूरा कर लो, बिल्कुल नहीं अच्छा छोड़ दो, क्या जरूरत पड़ी। जो चीज अच्छी लगती है कॉपी करो यार। अच्छा जी, आई लॉस्ट ऑल माई ट्रैक ऑफ कॉन्वर्सेशन नो वरी, जो मेरे पास थी।
आपके पास कुछ सवाल थे तो आप हैं या खत्म हो गए तो आप बता दें, मैं इसको एंड करता हूँ, फिर दोबारा शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद वो सवाल कर लेंगे। सर मेरे पास तो आपके लिए सवालों के लिए सवालों पर ये किताब मौजूद है। चलिए आप वो किताब निकालें, हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। मैं ज़रा एक ब्रेक लेके आता हूँ 5 मिनट में, फिर मैं आपको लिंक भेजता हूँ, उस पर लाइक कर दें। सुनने वालों का, खुर्रम का खास तौर पर बहुत शुक्रिया। मैं आपका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ, कराची में आ जाएं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ खुर्रम 10-15 दिन जो आप जहाँ भी जाएंगे आपके साथ कोशिश करके ट्रैवल भी करूँगा। आप इजाज़त ले लें वहाँ से, मेरी बेगम तो सो चुकी हैं। हाँ नहीं, वो ये इन हालात पे जो है ना एहतियात का मामला होना चाहिए, लेकिन खैर खुर्रम जुबैरी साहब ने बड़ा